सलमान खान के साथ टाइगर को क्यों कास्ट किया जा रहा है, इसकी कहानी रियल घटना पर क्यों लिखी गई है और वो अनोखा गांव कौन सा है जहां सिर्फ जुड़वा ही पैदा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अपने बेटे वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 बनाने के बाद अब डेविड धवन इसके तीसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था और इस सीरीज की दोनों ही फिल्में, दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट हुए और अब नाडियाडवाला और डेविड धवन मिलकर जुड़वा 3 की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म में डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन को लेना ही नहीं चाहते। जुड़वा 2 को डेविड ने वरुण के साथ बनाया था, लेकिन तभी ऐसा भी सुनने को मिला था कि इस सीरीज को वो एक ही एक्टर के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो नए नए चेहरों के साथ इस सीरीज को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसी बॉलीवुड की बाकी सीरीज रही हैं, उनसे थोड़ा हटकर इसे बनाना चाहते हैं, जैसे दबंग सीरीज है या सिंघम सीरीज है या डॉन सीरीज है, सभी सीरीज में एक्टर कॉमन ही रहे हैं। लेकिन इस सीरीज को साजिद नाडियाडवाला नए नए एक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया करके देखना चाहते हैं। ये अच्छा भी है एक तरह से। तो जुड़वा 2 65 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा की धमाकेदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन अब साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाने जा रहे हैं, इसीलिए ना तो इस फिल्म में वरुण नजर आएंगे और ना ही सलमान खान, नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। तो वहीं फीमेल लीड के लिए सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसी एक को लेने की खबरें आ रही हैं, जबकि सेकंड लीड के लिए दिशा पाटनी को साइन किया जा सकता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं कि इस सीरीज के फैंस के लिए इतना ही काफी है कि जुड़वा 3 बन रही है और उन्हें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस अनोखे गांव के बारे में जहां सिर्फ जुड़वा ही पैदा होते हैं। अब इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया, तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, केरल में एक ऐसा गांव है जो इस बात को झूठ साबित कर रहा है, क्योंकि यहाँ 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जुड़वा चेहरे इस गांव में ही मौजूद है। केरल के कोच्चि शहर से करीब 150 किलोमीटर के फासले पर स्थित कोडिनी गांव के कारण पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सकते में हैं कि ऐसा क्या है इस गांव की आबो हवा में कि यहाँ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों का औसत सारी दुनिया के औसत से 7 गुना ज्यादा है। मल्लापुरम जिले में तिरुंगाड़ी कस्बे से सटे इस गांव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की तादाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव के हर घर में जुड़वा बच्चे हैं। यहां नवजात जुड़वा बच्चों से लेकर बुजुर्ग जुड़वा तक मौजूद है।
वैज्ञानिक इस राज को समझने में लगे हैं कि इस गांव में दुनिया में जुड़वा बच्चों के औसत से आखिर 7 गुना ज्यादा जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में 1000 में मात्र 6 ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यहाँ हर 1000 बच्चों में 42 जुड़वा पैदा होते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही नीले रंग के एक साइन बोर्ड पर लिखा है कि भगवान के अपने जुड़वा गांव कोढ़ीनी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में इस शहर को जुड़वा गांव के नाम से ही जाना जाता है। इस गांव की 85% आबादी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू परिवारों में जुड़वा पैदा नहीं होते। स्थानीय लोग बताते हैं कि जुड़वा बच्चों का सिलसिला यहां करीब 60 से 70 साल पहले शुरू हुआ। गाँव के सरपंच का कहना है कि किसी दूसरे गाँव की लड़की यहाँ ब्याह कर आती है तो उनके भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। गाँव में रहने वाले पठूती और कुन्ही पठूती सबसे ज्यादा उम्र की जुड़वा बहने हैं। इनकी उम्र करीब 70 साल है और वो इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मानते। वहीं इस गुत्थी को समझने के लिए कुछ समय पहले भारत, जर्मनी और ब्रिटेन का एक संयुक्त अध्ययन दल यहाँ आया था और उन्होंने यहाँ के लोगों के डीएनए का अध्ययन करने के लिए कुछ नमूने एकत्र किए। इसी तरह बहुत से दल यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों के चेहरे, मोहरे, यहाँ की आबोहवा, खान पान और अन्य तमाम तरह के अध्ययन करते हैं, लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा होने की कोई वजह आज तक मालूम नहीं हो पाई। गांव में ही रहने वाली 17 बरस की सुमायत और अफसायत देखने में एकदम एक जैसी हैं। माँ दोनों को कभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनने देती और हमेशा उन्हें कपड़ों से पहचानने की कोशिश करती है। इनफैक्ट खेल के मैदान पर भी जुड़वा बच्चों की वजह से काफी बार झगड़ा भी हो जाता होगा। वहीं केरल के इस गांव के अलावा भी दुनिया में 2 और गांव हैं जहां जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राजील का कैंडिडो गोडोई। यहां भी वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की काफी कोशिशें की। नाइजीरिया में पाया गया कि वहां मिलने वाली एक सब्जी के छिलके में रसायन की अधिक मात्रा के कारण ऐसा हुआ, तो वहीं ब्राजील वाले मामले में रिसर्चरों का कहना है कि उस समुदाय में सब आपस में ही शादी करते हैं और वहां शायद इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन कोढ़ीनी का मामला अब भी रिसर्चरों के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर वहां ऐसा क्यों होता है। तो आपका क्या कहना है, अगर कुछ इसी तरह की चटपटी, मसालेदार और रहस्यमयी स्टोरी हमें जुड़वा 3 में देखने को मिले तो आनंद ही आ जाएगा। जुड़वा की बात करें तो इसमें सलमान खान नजर आए थे और इस फिल्म को महज 6 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं जुड़वा 2 की बात करें तो इस फिल्म ने 223 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था, यानी कि दोनों ही सीरीज सुपरहिट रही। और अब तीसरी किश्त इस फिल्म की आने वाली है और साजिद नाडियाडवाला ने कहा था कि हर फ्रेंचाइजी के साथ एक्टर बदले जाएंगे इस फिल्म के, तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक्टर टाइगर श्रॉफ का ही नाम आया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस वक्त टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं और इनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। डांस तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन जो इनकी बॉडी है और इनका जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें जुड़वा 3 में कास्ट किया गया है। जुड़वा की बात करें दोस्तों तो इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जुड़वा जो फिल्म है पहले गोविंदा करने वाले थे और फिर सलमान खान ने गोविंदा को कॉल की और कहा कि आप कितनी हिट फिल्में देंगे, ये फिल्म मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो गोविंदा ने बस उनकी ये बात सुनी और सलमान को ये फिल्म दे दी, क्योंकि सलमान खान उस वक्त लोगों के बीच सलमान के लिए ये धारणा थी कि वो सोलो फिल्में अच्छी नहीं करते और अक्सर उनकी जो सोलो फिल्म थी वो ज़्यादा नहीं चलती थी। इसीलिए जब उन्होंने जुड़वा की थी तब लोगों को पता चला कि सलमान खान बहुत खास है और गोविंदा हिट एक्टर्स में से एक थे उस वक्त के। और गोविंदा ने भी इस बारे में कहा था कि सलमान की फैमिली से उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है और किसी भी फिल्म की वजह से इन दोनों के बीच कोई भी दरार नहीं आ सकती, इसीलिए ये फिल्म खुशी खुशी उन्होंने सलमान को करने के लिए दे दी थी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि एक बात थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दरार आ गई थी। दरअसल गोविंदा ने सलमान से कहा था कि वो उनकी बेटी यानी टीना आहूजा को एक ब्रेक देंगे, यानी बॉलीवुड में डेब्यू कराएंगे, लेकिन सलमान खान ने उस वक्त तो हाँ कहा लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। भले ही टीना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है लेकिन अभी भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और कहा तो ये भी जा रहा था कि सलमान दबंग से टीना को ब्रेक दिलाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया
और आप सभी तो जानते ही हैं कि सलमान खान ने बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च किया है। इनमें कटरीना कैफ, जरीन खान, अर्जुन कपूर, डेजी शाह जैसे एक्टर्स शामिल हैं और बहुत सारे एक्टर्स सलमान खान को बॉलीवुड में अपना गॉडफादर भी मानते हैं। अब ऐसे में सलमान ने अपना ये वादा क्यों नहीं पूरा किया, ये तो सलमान ही जानते हैं। हम सभी तो यही उम्मीद करेंगे कि गोविंदा और सलमान के बीच जो ये दरार आई है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की अगर हम बात करें तो उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये फोटो उनके फैंस के लिए एक ट्रीट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस फोटो में टाइगर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नया है, टाइगर तो अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें नया जरूर है और आप भी ये फोटो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि टाइगर के इस फोटो में 10 पैक्स एब्स नजर आ रहे हैं और अब तक टाइगर को आपने 6 पैक्स में देखा होगा या तो 8 पैक्स में देखा होगा, ये कुछ नया है। और टाइगर ने भी इस बारे में कहा है कि अब 6 पैक्स का जमाना गया, अब 10 पैक्स का जमाना आ गया है। वहां गए टाइगर, बहुत ज्यादा शानदार इसमें लग रहे हैं और उनकी बॉडी के तो क्या कहने। वैसे दोस्तों माना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक बहुत ज्यादा ब्रेव और बोल्ड एक्टर है और ये बात उनके एक्शन से पता चलती है। बड़ा सा बड़ा एक्शन सीन्स करने से नहीं घबराते और बॉडी डबल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। उनकी फिल्म बागी 3 से पता चल गया था यार कि वो एक्शन के असली बाप हैं और बाकी जो फिल्में हैं वॉर जैसे फिल्म हो गई उसमें भी उनका धमाकेदार एक्शन देखने को मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंसान एक्शन को, इतने बड़े एक्शन सीन्स को चुटकियों में कर देता है, वो भी किसी चीज से डरता है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर को भी एक चीज से इतना डर लगता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब भी ऊंचाई पर वो होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों ये तो टाइगर का डर है, लेकिन फिल्मों में ये डर कहीं भी नहीं झलकता। इसके अलावा जुड़वा 3 की बात करें तो उसमें भी टाइगर का अलग तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही जो उनकी बॉडी है वो भी बहुत चेंज देखने को मिलेगी। और जुड़वा सीरीज में डांस का भी बहुत ज्यादा महत्व है और इसीलिए जुड़वा 3 में भी टाइगर एक अच्छे डांसर है ही, तो जुड़वा 3 में भी वो बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं। तो आप हमें बताइए कि जुड़वा 3 में टाइगर को देखने का आपको कितना इंतजार है और जुड़वा 3 का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। टाइगर श्रॉफ जुड़वा श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर कॉमेडी फिल्म क्यों करना चाहती हैं? डेविड धवन जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को क्यों लेना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म बागी 3 रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों श्रद्धा और टाइगर फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा कपूर ने को स्टार टाइगर श्रॉफ को लेकर खुलासा किया है। श्रद्धा ने बताया कि टाइगर श्रॉफ के पास सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ह्यूमर साइड भी है। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो एक्शन करते हुए फिल्म बागी 3 को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि टाइगर श्रॉफ बेहद अनुशासित हैं। श्रद्धा कपूर ने कहा कि टाइगर का फनी साइड भी है और उनके साथ वो कॉमेडी फिल्म भी करना चाहेंगी। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी स्क्रीन पर काफी पसंद की जाती है। बागी 3 से पहले दोनों बागी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। अपने बेटे वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 बनाने के बाद अब डेविड धवन इसके तीसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। अब खबर है कि नाडियाडवाला और डेविड धवन जुड़वा 3 की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में डेविड धवन अपने बेटे वरुण को लेना नहीं चाहते। बता दें कि जुड़वा 2 को डेविड धवन ने वरुण के साथ बनाया था। 65 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर रही। पर अब साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए ना तो इस फिल्म में वरुण नजर आएंगे और ना ही सलमान खान।
जुड़वा 3 1997 में आई सलमान की फिल्म जुड़वा का तीसरा पार्ट है। इसे भी डेविड धवन ने बनाया था और साजिद ने प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बना रहे हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। वही फीमेल लीड के लिए सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसी एक को लेने की चर्चा है, जबकि सेकंड लीड के लिए दिशा पाटनी को साइन किया जा सकता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसमें इस बार एक बात पक्की होगी, भाईजान की एंट्री यानी कि सलमान खान की, क्योंकि गुप्त सूत्रों की माने तो टाइगर श्रॉफ के साथ सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 का ट्रेलर काफी दिन पहले रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। बागी 3 को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में टाइगर के अलावा रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। तो दोस्तों, आप सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को जुड़वा 3 में एक साथ देखना पसंद करेंगे या नहीं? जुड़वा 2 जैसी हिट फिल्म देने के बावजूद भी जुड़वा 3 के लिए वरुण धवन को कास्ट क्यों नहीं किया जा रहा, और टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन जॉनर से हटकर क्या करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला की सुपरहिट सीरीज जुड़वा, जिसके 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब जुड़वा 3 बनाने की प्लानिंग चल रही है। जुड़वा में सलमान खान ने जहां अपना जलवा बिखेरा, तो जुड़वा 2 में वरुण धवन ने 4 चांद लगाए और ये दोनों ही फिल्में कल्ट क्लासिक साबित हुई। लेकिन फिर भी जुड़वा 3 में ना तो सलमान खान नजर आएंगे ना ही वरुण धवन। तो ऐसे में सबका एक ही सवाल कि क्यों भाई, और अगर सलमान नहीं, वरुण भी नहीं, तो कौन करेगा इस सुपरहिट सीरीज में काम? दरअसल साजिद अब इस सुपरहिट सीरीज का हिस्सा टाइगर श्रॉफ को बनाना चाहते हैं। एक तो टाइगर जब से वॉर में नजर आए हैं तब से फैंस उनके दीवाने ही हो गए हैं, तो वहीं वरुण धवन का करियर कुछ खास नहीं चल रहा। उनकी कलंक ने जो उनके करियर पर कलंक लगाया है उसे धुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि कुछ वक्त पहले ही उनकी स्ट्रीट डांसर 3D भी रिलीज हुई। फिल्म ने 9 करोड़ की ओपनिंग दी और अब तक 70 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बार कोई एक्टर फ्लॉप फिल्म दे दे तो दर्शक भी उसको हजम नहीं कर पाते। लेकिन ये भी कहा गया कि साजिद जुड़वा सीरीज की हर फिल्म में नए हीरो को लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बार जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बना लिया है। लेकिन इसके पीछे की एक और भी वजह है, वो है साजिद नाडियाडवाला और टाइगर श्रॉफ की बॉन्डिंग। जी हाँ, इन दोनों में कितनी बेहतरीन बॉन्डिंग है ये उनकी सुपरहिट सीरीज बागी से आप लगा सकते हैं। और वैसे भी टाइगर श्रॉफ की बागी 3 का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और हर तरफ टाइगर ही टाइगर छाए हैं। लेकिन अब साजिद चाहते हैं कि टाइगर एक्शन के साथ थोड़ी कॉमेडी भी करें, और इसके लिए जुड़वा सीरीज से बेहतर फिल्म और भला क्या हो सकती है। तो ये भी सुनने में आया कि फिल्म के नाम की तरह ही, फिल्म का नाम जुड़वा 3 होगा, तो इसी ही तरह फिल्म में ट्रिपल रोल देखने को मिल सकता है, यानी कि 3-3 टाइगर, जंगल वाले नहीं वॉर फिल्म वाले। वैसे दोस्तों, ट्रिपल रोल से याद आया, 20 जून 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हम शकल्स। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर ने ट्रिपल रोल निभाया था और 64 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 103 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया और सुपर हिट साबित हुई। तो दोस्तों, क्या आप भी फिर से ट्रिपल रोल देखने का आनंद उठाना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ को इस बार एक्शन से हटकर कॉमेडी करते हुए देखना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर कॉमेडी फिल्म क्यों करना चाहती हैं? डेविड धवन जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को क्यों लेना चाहते हैं? टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म बागी 3 रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इन दोनों श्रद्धा और टाइगर फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा कपूर ने को स्टार टाइगर श्रॉफ को लेकर खुलासा किया है। श्रद्धा ने बताया कि टाइगर श्रॉफ के पास सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि ह्यूमर साइड भी है। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो एक्शन करते हुए फिल्म बागी 3 को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि टाइगर श्रॉफ बेहद अनुशासित हैं। श्रद्धा कपूर ने कहा कि टाइगर का फनी साइड भी है और उनके साथ वो कॉमेडी फिल्म भी करना चाहेंगी। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी स्क्रीन पर काफी पसंद की जाती है। बागी 3 से पहले दोनों
बागी फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। अपने बेटे वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 बनाने के बाद अब डेविड धवन इसके तीसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। अब खबर है कि नाडियाडवाला और डेविड धवन जुड़वा 3 की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में डेविड धवन अपने बेटे वरुण को लेना नहीं चाहते। बता दें कि जुड़वा 2 को डेविड धवन ने वरुण के साथ बनाया था। 65 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर रही। पर अब साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए न तो इस फिल्म में वरुण नजर आएंगे और न ही सलमान खान। जुड़वा 3 1997 में आई सलमान की फिल्म जुड़वा का तीसरा पार्ट है। इसे भी डेविड धवन ने बनाया था और साजिद ने प्रोड्यूस किया था। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बना रहे हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। वहीं फीमेल लीड के लिए सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसी एक को लेने की चर्चा है, जबकि सेकंड लीड के लिए दिशा पाटनी को साइन किया जा सकता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इसमें इस बार एक बात पक्की होगी, भाईजान की एंट्री यानी कि सलमान खान की, क्योंकि गुप्त सूत्रों की माने तो टाइगर श्रॉफ के साथ सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 का ट्रेलर काफी दिन पहले रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। बागी 3 को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में टाइगर के अलावा रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। तो दोस्तों, आप सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को जुड़वा 3 में एक साथ देखना पसंद करेंगे या नहीं, आपकी क्या राय है? पहले सलमान खान की जुड़वा, फिर वरुण धवन की जुड़वा 2 और अब जुड़वा 3। क्या जुड़वा 3 सही में बनने वाली है? वरुण और सलमान क्या दोनों ही होंगे फिल्म में? कौन एक्ट्रेस होगी जुड़वा 3 में? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। जुड़वा 2 की सक्सेस को पूरी टीम ने बखूबी सेलिब्रेट किया था। एक पार्टी भी होस्ट की गई थी। पार्टी में जहां फिल्म की कास्ट वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू भी नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला अपनी बीवी के साथ नजर आए। सभी ने पार्टी का लुत्फ उठाया। वहीं जैकलीन ने एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें वो और वरुण धवन उनको बाहों में थामे एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उंगलियों से 3 का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 से जाहिर होता है कि इनका इशारा जुड़वा 3 की तरफ है। और ये भी हो सकता है कि एनजीई और डेविड धवन ने पहले ही इन दोनों को जुड़वा 3 के लिए फाइनलाइज कर लिया हो। और करें भी क्यों ना भैया, वरुण धवन डेविड धवन के बेटे जो ठहरे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुड़वा 2 बेसिकली जुड़वा का रीमेक थी, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में थे और जुड़वा 2 में सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस भी था। तो मुमकिन है कि इस बार जुड़वा 2 में वरुण धवन और सलमान खान दोनों ही नजर आए, मतलब कि दो दो वरुण धवन और दो दो सलमान खान नहले पे दहला। और जहां अगर दो दो सलमान और दो दो वरुण होंगे तो मुमकिन है कि 4 हीरोइना का होना भी लाजमी है। तो जहां हमने पार्टी के फोटो में देखा तो उससे ये तो जाहिर होता है कि जैकलीन फर्नांडिस तो जुड़वा 3 में कन्फर्म्ड है। बात करें बाकी की 3 एक्ट्रेसेस की, तो उनमें से एक कैटरीना कैफ हो सकती है, जो कि सलमान के साथ फिल्म भारत में भी नजर आने वाली है। फिर कृति सेनन के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और फिर आती हैं दिशा पाटनी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा पाटनी भी फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। इन्हीं हीरोइनों के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अगर इनकी पिछली फिल्मों पर गौर किया जाए तो ये ऐसी ही फिल्मों में नजर आई हैं। और फिर इनसे बेहतर ऑप्शन डायरेक्टर डेविड धवन के पास हो ही क्या सकता है। लेकिन जहां सलमान खान की दबंग 3 किक 2 ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ये तो गौरतलब है कि इन फिल्मों के बाद ही सलमान जुड़वा 3 पर फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, वेटरन में सलमान खान के साथ कौन नजर आएगा? सलमान खान को उनके पहले एड के लिए कितने रुपए मिले थे? वेटरन की कहानी क्या है और किस रोल में नजर आएंगे सलमान खान? बॉलीवुड की वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ था? क्या वो सलमान खान की फिल्म थी या फिर आमिर खान की? सलमान खान को सुपरस्टार किसने बनाया? सलमान खान को पहली फिल्म के लिए कितने रुपए मिले थे?
सूरज बड़जातिया का प्रेम नाम को किसने लकी प्रूफ किया और किसने डुबाया? इंडिया की पहली जासूस वाली फिल्म कौन सी थी और ऐसी अभी तक कितनी फिल्में बनी हैं इंडिया में? वो कौन से खान्स हैं जो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए? वेटरन फिल्म का बजट कितना है और फिल्म कब रिलीज होगी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे सलमान खान की न्यू फिल्म वेटरन के बारे में। देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, संजय दत्त, सनी देओल, गोविंदा और भी ना जाने कितने स्टार्स थे 90s में, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़का साइड रोल से शुरू करेगा और आने वाले सालों साल तक राज करेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। सलमान खान यानी कि भाई जान, जिन्होंने अपने करियर में सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी बहुत देखे हैं। 750 रुपए से लेके 60 करोड़ की कहानी बहुत दिलचस्प है, जहां एक वक्त था कि फिल्में नहीं थी करने को और आज एक वक्त है कि एक के बाद एक फिल्में हैं। वैसे ये 750 रुपए उनके पहले एड के लिए मिला था कैंपा कोला के लिए, जब वो 15 साल के थे। सलमान खान के लिए गुड न्यूज है कि सलमान खान की एक और फिल्म अनाउंस हो गई है, वेटरन। वेटरन जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, ये एक कोरियन फिल्म है जिसमें लीड में थे होंग जुंग मीन और इसे डायरेक्ट किया था रूस यंग वोंग ने। युआइन इस फिल्म में नेगेटिव रोल में थे। ये फिल्म कोरिया में 2015 में रिलीज हुई और उस समय फिल्म ने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के रिमेक में सलमान खान काम करेंगे, बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान। इन दोनों अपनी एक के बाद एक फिल्मों की ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर आई है कि सलमान खान को एक कोरियाई फिल्म के इंडियन रिमेक के लिए संपर्क किया गया है। खबरों के अनुसार फिल्म वेटरन के हिंदी रिमेक में सलमान को जासूस बनने का ऑफर दिया गया है। वेटरन साउथ कोरिया के सिनेमा के इतिहास में ये चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपराध करने वालों को कभी माफ नहीं करता। एक हाई प्रोफाइल केस को सुलझाते वक्त उसका सामना एक घमंडी रईस जादे से होता है, जो बाद में उसके सामने सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कहानी एक डिटेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती है और उसके सामने ऐसे ऐसे हालात आते हैं जो कॉमेडी हो जाती है। कहा जा रहा है कि पुलिस के रोल में सलमान खान होंगे और दूसरा कैरेक्टर जो नेगेटिव करेगा उसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब आने को तो बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक अनाउंसमेंट ऑफिशियली ना हो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसी फिल्में बहुत बनी हैं हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी, और जैकी चैन का नाम ऐसी फिल्मों के लिए सबसे ऊपर आता है। अगर हॉलीवुड की बात करें तो सबसे पहली फिल्म का नाम लूंगा मैं मिस कॉन्जेंशियलिटी, उसके बाद मिस्टर डाउटफायर, तीसरा है किंडरगार्टेन कॉप, उसके बाद टूटसाय और 21 जंप स्ट्रीट। वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान की बादशाह, धर्मेंद्र की आंखें, ऋषि कपूर की डी डे और 1956 में रिलीज हुई CID। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली जासूस वाली फिल्म कौन सी थी इंडिया की? तो वो थी चित्रा, जो बनी थी 1946 में और ये एक तमिल लैंग्वेज फिल्म थी। जासूस, अंडरकवर, रॉ, ये तीन अलग अलग कैटेगरी हैं, या यूं कह की सब कैटेगरी हैं। और देखा जाए तो इन तीनों को मिला के अभी तक हमारे इंडिया में कुल 73 फिल्में बनी हैं। ये सीरियस डिटेक्टिव वाली फिल्में बनी हैं, जिनमें जॉन अब्राहम की फिल्म न्यूयॉर्क से लेके सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है भी शामिल है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को छोड़कर वो और कौन से खान से जो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए? दोस्तों, सलमान खान समेत बॉलीवुड में और दो खान्स हैं। कभी कभी लोग इन्हें खान्स तिगड़ी के नाम से भी जानते हैं। नो डाउट कि ये बॉलीवुड के आज पिलर हैं। लेकिन इनके साथ ही इन्हीं जैसे कई और खान्स आए थे बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने, लेकिन बॉलीवुड ने इन तीन खान्स के अलावा किसी और को आने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ तो इन्हीं खान्स के रिलेटिव हैं। तो पहले खान है फरदीन खान। फरदीन खान ने बॉलीवुड में अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम आगन से 1998 में डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2000 में फिल्म जंगली, 2001 में प्यार तूने क्या किया, इन फिल्मों में अभिनय किया। इन तीनों फिल्मों के बाद फरदीन की परफॉर्मेंस में कमी होने की वजह से उन्होंने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी। जानशीन, प्यारे मोहन, एसिड फैक्ट्री उनकी फ्लॉप फिल्मों में कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद तो उनका करियर आगे कभी बढ़ा ही नहीं। अगला नाम है अरबाज खान। सलमान खान के भाई अरबाज खान भी इन 10 खानों की फ्लॉप लिस्ट में शामिल हैं। अरबाज ने 1996 में फिल्म दरार से बतौर नेगेटिव कैरेक्टर से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने लगातार दो फ्लॉप फिल्में दी, हेलो ब्रदर्स और माँ तुझे सलाह। इस वक्त वो फिल्म मेकर के तौर पर बॉलीवुड से जुड़े हैं। अगला नाम है सुहेल खान। सलमान खान के भाई सुहेल खान भी फिल्मों में कुछ खास नहीं चल पाए। उन्होंने फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से 2002 में डेब्यू किया। इसके बाद हर फिल्म में उनके एक्सप्रेशन
एक जैसे ही लगे, जिसकी वजह से लोगों को एक समय के बाद कम पसंद आने लगे और फ्लॉप हो गए। जायद खान। वहीं जायद खान की बात की जाए तो उनका बॉलीवुड करियर भी कुछ खास नहीं रहा। उनके पिता संजय खान अच्छे एक्टर रहे, पर ज्यादा ये प्रूफ नहीं कर पाए, ना कामयाब हो गए। जायद ने फिल्मों में 2004 में मूवी चुरा लिया है तुमने से डेब्यू किया था। इसके बाद उनके करियर का ग्राफ गिरने का पूरा क्रेडिट उनकी मूवी शादी नंबर 1, फाइट क्लब और युवराज को जाता है। फैजल खान। आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान भी फिल्मों में नहीं चल पाए। ये बड़ी बात है कि एक ही घर के दो बेटों में एक सुपरस्टार है तो दूसरा फ्लॉप। फिलहाल फैजल खान ने मदहोश से डेब्यू किया था, उनके पिता ताहिर हुसैन ने प्रोड्यूस किया था, वो भी फ्लॉप साबित हुए। फिर 2000 में मेला में वो नजर आए, फिर भी चल नहीं पाए। सद्दाम खान। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का गब्बर याद है? हाँ हाँ, उन्हीं अमजद खान के बेटे सद्दाम का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दरअसल सद्दाम ने रानी मुखर्जी के अपोजिट 1997 में राजा की आएगी बारात से डेब्यू किया था। इसके बाद रानी का करियर तो चल पड़ा, पर सद्दाम नोटिस में नहीं आ सके। अयूब खान। दिलीप कुमार के भांजे अयूब खान ने भी फिल्मों में एक्टर बनने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। अयूब ने 1994 में फिल्म सलाम से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो खिलौना में भी दिखे। दोनों में से उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं रही और वो खुद को हिट हीरो बना नहीं पाए। मोहसिन खान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रहे मोहसिन खान ने भी बॉलीवुड में ट्राई किया, पर फ्लॉप रहे। उनके रीना रॉय के साथ की गई एक फिल्म के लिए ज्यादा जाना जाता है, जिसमें रेखा भी थी, मैडम एक्स। ये फिल्म 1994 में आई थी। साहिल खान। स्टाइलिश मूवी के दोनों हीरोज को कोई कैसे भूल सकता है, उनमें से एक थे साहिल खान और एक थे शर्मन जोशी। हालांकि शर्मन जोशी आज फिल्म जगत का जाना माना नाम है, तो साहिल अब लाइमलाइट से दूर रहे हैं। फराज खान। फराज खान ने 1996 में विक्रम भट्ट की फिल्म फरेब से डेब्यू किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, और ना ही फराज ने। मालूम फराज अक्सर फिल्मों में अपने नेगेटिव रोल्स के लिए ही जाने जाते रहे। तो ये वो थे बॉलीवुड के 10 खान्स जो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाए। ऐसे और भी हैं, लेकिन आमिर, शाहरुख और सलमान के अलावा आज कोई भी ऊंचाइयों पर नहीं है। इनके पास तो एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लगी है, और सलमान खान के पास तो पूछो ही मत। भारत के बारे में तो जानते हैं सभी, जिसकी शूटिंग अभी हाल ही में खत्म हुई है और बहुत जल्द सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। अली अब्बास जफर की फिल्म भारत कोरियन फिल्म ओ टू माय फादर की हिंदी रिमेक है, जो कि 2019 ईद पर रिलीज होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि कोरियन कहानी निर्देशक भारतीय दर्शक के हिसाब से किस तरह घुमाते हैं। सलमान की अगली फिल्म है दबंग 3। भारत के आने के बाद अब सलमान खान दबंग 3 पर काम शुरू करने वाले हैं। फिल्म 2019 के अंत या 2020 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। शेर खान। सलमान खान की ये फिल्म काफी पहले चर्चा में आई थी। फिल्म को सलमान खान के भाई सुहेल खान बनाने वाले हैं। बीच में फिल्म के डिब्बा बंद होने की खबर थी, लेकिन सलमान ने कंफर्म कर दिया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। सूरज बड़जात्या की फिल्म। सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। रिपोर्ट्स की माने तो ये जोड़ी एक बार फिर साथ आने वाली है। जी हाँ, सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म फैमिली ड्रामा में सलमान खान होंगे। ये फिल्म इमोशनल म्यूजिक फैमिली ड्रामा होगी। किक 2। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक 2 पहले 2019 के क्रिसमस पे रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा हम दिल दे चुके सनम 2। कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, और फिल्म का नाम होगा हम दिल दे चुके सनम 2। हालांकि जब संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को लेकर इस फिल्म की अनाउंसमेंट की, तो रणबीर और संजय लीला भंसाली में काफी खटपट हुई। खबर आई थी कि रणवीर ने ये तक पूछ लिया कि मेरे को छोड़कर आपने सलमान खान को क्यों लिया, क्योंकि देखा जाए तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक के बाद एक लगातार 3 हिट फिल्में दी हैं संजय लीला भंसाली को, और ये पूछना जायज भी है। आपने भी सुना होगा कि संजय लीला भंसाली ने एक नाम दर्ज कराया था, रजिस्टर कराया है इंशाल्लाह। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 2 और नाम रजिस्टर कराए हैं, दिल दे दिया इंशाल्लाह या फिर प्यार हो गया इंशाल्लाह। संजय लीला भंसाली ने ये टाइटल इसलिए रजिस्टर करवाया क्योंकि उनको लगा कि इंशाल्लाह नाम सिर्फ ठीक नहीं होगा, इसलिए 2 और नाम इन्होंने रजिस्टर करवाया। उसके बाद देखा जाए तो वांटेड 2 नो एंट्री में फिर से एंट्री, और भी बहुत सी फिल्में लाइन में लगी हैं, और खत्म कब होती हैं ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। वैसे तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जहां एक फिल्म खत्म होगी तो 2 फिल्मों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। दोस्तों, हर बार देखा गया है या सुनने में आया कि सलमान खान हमेशा नए चेहरों को लॉन्च करते हैं, मौका देते हैं। आज भले ही सलमान खान नए चेहरों को अपने बैनर तले मौका दे रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे कम निर्देशक हैं जो खुद स्टार की फहरिस्त में शामिल हैं। ये वो स्टार हैं जिन्होंने खुद सलमान खान को सुपरस्टार बनाया। दर्शक आज भी इनके प्रेम, संस्कार और सादगी भरी फिल्मों की दीवाने हैं। हम बात कर रहे हैं सूरज बड़जात्या।
आज भी जब सूरज बड़जात्या की फिल्में टीवी पर आती हैं तो टीआरपी रेटिंग में टॉप कर जाती हैं। सलमान खान की मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं के डायलॉग्स और सॉन्ग आज भी शादी के रौनक है। जैसे अगर बात करें तो सलमान खान का एक डायलॉग है जो शायरी अंदाज में है, काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, अति सुंदर। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। भैया जी, शेर बिल्कुल आपको सूट कर रहा है। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्ने यार के, लाया है कौन। वहीं एक और है कि लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। ये तो थे हम आपके हैं कौन की। अगर बात करें हम साथ साथ के हैं तो सोनाली बेंद्रे का एक डायलॉग है, हम चाहे बंधन में बंधे ना बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है। और इन दोनों फिल्मों के सॉन्ग्स लाजवाब थे। जहां सलमान खान ने गाया पहला पहला प्यार है, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने माए नी माए, दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन और वाह वाह राम जी क्या बात है। दोस्तों, बॉलीवुड में प्यार, परिवार और परंपरा के सूरज रचयिता हैं। इनकी हर फिल्म में प्रेम है। ये और बात है कि प्रेम नाम इनके लिए केवल सलमान ने लकी किया है, वरन ऋतिक रोशन की प्रेम की मैं दीवानी हूँ सूरज के लिए फ्लॉप साबित हुई। वहीं जब सूरज ने सलमान के साथ प्रेम रतन धन पायो बनाई तो सुपरहिट हो गई। इनकी फिल्मों का जादू ऐसा है कि खुद सलमान खान सूरज की फिल्मों में खुद को देखकर दंग रह जाते हैं। आज भी फिल्मों के मामले में सूरज बड़जात्या का समय कभी अस्त नहीं हुआ। सलमान और सूरज ने बहुत सी फिल्में एक साथ की हैं। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 1994 में हम आपके हैं कौन की रिलीज से पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये फिल्म नहीं चलेगी। रिलीज के बाद ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। साथ ही साथ हम आपके हैं कौन के सॉन्ग एल्बम 90 के दशक का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक बना। इस एल्बम के लगभग 1 करोड़ यूनिट्स बिके थे। इतना ही नहीं, 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट ना रही हो, लेकिन टीवी पर इस फिल्म ने टीआरपी हमेशा खुद को टॉप पर रखा है। इस फिल्म के एल्बम ने भरपूर कमाई की थी। 100 करोड़ फिल्म की बात करें तो ये 1994 में आई हम आपके है कौन थी। साथ ही ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म भी थी। कहा जाता है कि सलमान खान की फिल्म की शूटिंग हो या फिर कोई पार्टी, हमेशा लेट पहुंचते हैं, लेकिन जब किसी की मदद करनी होती हो तो सबसे पहले पहुंचते हैं। सलमान खान की सबसे ज्यादा अच्छी बात यही लगती है लोगों को, और वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं। हाल ही में आपने क्लैश सुने होंगे प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज की। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल कौन होगा, टी सीरीज और प्यूडीपाई, ऐसे दोनों ही यूट्यूब चैनल अपने अपने आप को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। प्यूडीपाई जो कि स्वीडन में रहने वाले कैलबर्ग ने बनाया है, और टी सीरीज के बारे में तो आप सभी जानते हैं, गुलशन कुमार ने। गुलशन कुमार के बाद भूषण कुमार उसे आगे चला रहे हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने हमारे जितने भी इंडिया में लोग हैं सबसे सपोर्ट मांगा है कि क्यों ना इस चैनल को दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बनाया जाए, जिसमें सलमान खान से लेके बॉलीवुड की तमाम बड़ी इंडस्ट्री इस काम में लग गई है। सभी अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस से ये कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड करो, ताकि ये चैनल दुनिया का नंबर वन चैनल सबसे पहले बने। इस चैनल को खुद सलमान खान भी प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, आज सलमान खान पूरे वर्ल्ड में 9th पे हैं, और इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब सलमान खान के पास कोई काम नहीं था, और उन्हें एक एडवर्टीजमेंट के लिए 750 रुपए मिले थे। देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह, संजय दत्त, सनी देओल, गोविंदा और ना जाने कितने स्टार्स थे 90s में। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़का साइड रोल से शुरू करेगा और आने वाले सालों तक राज करेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान के बारे में। सलमान खान यानी कि भाईजान, सबके भाईजान। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी बहुत देखा है। 750 रुपए से लेके 60 करोड़ की कहानी बहुत दिलचस्प है। जहाँ एक वक्त था कि सलमान खान के पास फिल्में नहीं थी, वहीं एक और वक्त है जहाँ सलमान खान के पास एक के बाद एक लगातार फिल्में हैं। बचपन से ही अपने पापा को आइडल मानते थे और उन्हीं की तरह दूसरों की फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे। जैसे तैसे करके 12वीं पास की, कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया गया। सलमान खान को शुरू से ही फिट और जिम का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी ये बात अपने पापा को नहीं बताई उनके डर से, क्योंकि उनके पापा नहीं चाहते थे कि सलमान खान पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिम करे, अपनी बॉडी बनाए। सोचा था कि अपने पापा की तरह लोगों के लिए फिल्में लिखूंगा और डायरेक्ट करूंगा, और इसीलिए जैकी श्रॉफ की स्टारर फिल्म फलक को असिस्ट किया। फिल्म चली नहीं क्योंकि सलमान खान की किस्मत में बहुत ऊंचा जाना लिखा था। सलमान खान वैसे तो एक बड़े राइटर के बेटे थे,
अगर वो अपने पापा से कहते तो उनके काम की और पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उन्होंने खुद के दम पर कुछ करने का सोचा। आप सभी जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी है, लेकिन ये फिल्म इन्हें इत्तेफाक से मिली। बात है 1988 की। कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद सलमान काम की तलाश करते काम करते थे, जो पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि सलमान की पॉकेट मनी खत्म हो गई थी। उस वक्त सलमान खान को पैसे की जरूरत भी थी। वो पहुंचे जीके बिहारी के पास, जो कि बीवी हो तो ऐसी को डायरेक्ट कर रहे थे। सलमान उनसे काम मांगने गए थे कि क्या वो उस फिल्म को असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जीके ने कहा मेरे फिल्म में एक रोल खाली है, क्या तुम करोगे। उन्होंने सलमान खान को बताया कि उस रोल के लिए कोई भी ऑडिशन देने नहीं आया। तो सलमान खान ने काफी सोचा और पैसे की जरूरत तो थी ही, तो उन्होंने हाँ कह दिया। फिल्म में भी वैसे ज्यादा एक्टिंग करनी भी नहीं थी, इसलिए सलमान ने ज्यादा नहीं सोचा और उस फिल्म से मिले पैसों से सलमान खान की लगभग 2 से 3 महीने की पॉकेट मनी आराम से चली। जब सलमान के पास पैसे नहीं थे, काम भी नहीं था, तब लोगों ने उन्हें एडवाइस दिया कि क्यों ना वो अपने पापा के नाम का यूज करे, जिसकी वजह से उन्हें काम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ना ये बात सलमान खान को पसंद थी कि वो अपने पापा का नाम इस्तेमाल करे, और ना ही उनके पापा को कि वो किसी को सलमान खान का नाम सजेस्ट करे काम के लिए। दोनों का था कि अपने दम पे करेंगे जो भी करेंगे। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा भी था कि मैं अपने दम पर सक्सेस चाहता हूं, ताकि फेलियर भी मिले तो उसे मेरे पापा का नाम खराब ना हो, जो भी हो मेरे साथ हो। बीवी हो तो ऐसी के बाद सलमान खान की फिल्म आई मैंने प्यार किया। हालांकि सलमान पहले चॉइस नहीं थे, पहली चॉइस थे दीपक तिजोरी और पीयूष मेहरा, जो काफी अटक अटक के बोलती हैं, और उनका एक सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था हुस्ना, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। लेकिन उस वक्त सूरज को नए और यंग चेहरे की तलाश थी। उस वक्त सलमान खान उनसे टकरा गए। सलमान ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया और सूरज काफी इम्प्रेस हुए, लेकिन सूरज चाहते थे कि इस फिल्म में सलमान लुक्स के साथ साथ एक्टिंग भी कुछ करे। तो ऑडिशन शुरू हुआ और सलमान खान से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हो पाए सूरज। महीनों तक लोगों के ऑडिशन चलते रहे, लेकिन लास्ट में वापस सलमान का ऑडिशन लिया गया। खराब ऑडिशन इतने देखने के बाद सूरज फाइनली सलमान खान के पास आए और फिल्म में उन्हें साइन किया। पहले तो ये डील 31,000 में साइन हुई, लेकिन जब फिल्म हिट रही तो टोटल 75,000 रुपए सलमान खान को मिले। फिल्म से रातों रात स्टार तो बन गए सलमान खान, लेकिन स्टार बनने के बाद भी उन्हें 6 महीनों तक कोई काम नहीं मिला, वो खाली बैठे रहे। उसके बाद सलमान खान के पिता ने जिप्पी शिप्पी से कहा, जो कि शोले के डायरेक्टर थे, कि आप अफवाह फैला दो कि सलमान खान को आप नई फिल्म में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि उनके पास कुछ फिल्में आ जाएं, कुछ प्रोड्यूसर्स आ जाएं। आते आते एक फिल्म आई जिसमें सलमान खान को नेगेटिव रोल प्ले करना था। फिल्म का नाम था बाजीगर, लेकिन सलमान खान स्टेज पे नेगेटिव रोल नहीं प्ले करना चाहते थे, इसलिए वो फिल्म रिजेक्ट कर दी और ये फिल्म शाहरुख खान की झोली में गिरा। स्टार बनने के बाद पहली ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी संगीता बिजलानी। उस वक्त संगीता एक बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2 साल तक डेट किया। कहा जा रहा था कि सलमान और उनकी शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन पर्सनल मैटर की वजह से दोनों अलग हो गए। कहा जा रहा था कि वो पर्सनल मैटर सोमी अली रही। सोमी अली पाकिस्तान की थी, जिसे धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी के साथ रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करने के लिए लाए थे, लेकिन सलमान सोमी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने वो फिल्म करने से सोमी को मना कर दिया। उसके बाद सोमी को अपनी फिल्म में लिया सलमान खान ने। जब इन दोनों के लव अफेयर के बारे में मीडिया में चर्चा होने लगी, तब ये दोनों बुलंद फिल्म में साथ नजर आने वाले थे। फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कई अननोन रीजंस की वजह से फिल्म को पूरा नहीं किया गया और वो फिल्म बंद हो गई। सोमी के बाद नाम सामने आया ऐश्वर्या राय का, जो कि सभी जानते हैं। सलमान और ऐश्वर्या राय जब अलग हुए तो दोनों को लेके कई बातें सामने आई। इनमें से कई सारी तो अफवाह थी, लेकिन उनमें से एक बात सही थी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर के आगे रात भर बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे, और ये बात खुद सलमान खान ने ही कही है। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते कहा कि हालांकि मुझे उस सोसाइटी में आज भी बैन किया गया है। साल 2002 सलमान खान के लिए बहुत बुरा था, जहां ऐश्वर्या राय ने ऑफिशियल ब्रेकअप के बारे में मीडिया से खुल के बात करने लगी कि सलमान उन्हें हैरेस करते थे, और वहीं साल 2002 में हिट एंड रन केस में सलमान पर केस चार्ज हुआ, क्योंकि जितने लोग इंजर्ड हुए थे उसमें उनमें से एक व्यक्ति मर भी गया था। जिस बुरे दौर से चल रहे थे, उस वक्त सलमान के पिता ने उन्हें एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, जो आज भी सलमान के हाथों में हम देख सकते हैं। सलीम खान ने 2 ब्रेसलेट लिया था, एक अपने लिए और एक सलमान खान के लिए। वो इसीलिए कि सलमान सारी परेशानियों से बचे रहें और सलमान खान उसे अपना लकी ब्रेसलेट मानते हैं। आप सभी को तेरे नाम फिल्म तो याद होगी, उसका हेयर स्टाइल कितना फेमस हुआ था, लेकिन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि वो सलमान खान के नकली बाल थे। दरअसल फिल्म की शूटिंग करते दौरान सलमान खान और डायरेक्टर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, और सलमान खान ने गुस्से में आके अपने बाल शेव करा लिए। बाद में जब सुलह हुई तो
विक के साथ शूटिंग शुरू हुई और फिल्म कंप्लीट हुई। सलमान खान ने चल मेरे भाई में शराबी की एक्टिंग की थी। आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी, क्या खूब एक्टिंग की है। उस फिल्म में सीन है जहां सलमान खान शराब पी के एक्टिंग करते हैं। दरअसल वो शॉट देने से पहले सलमान खान ने रियल शराब पी थी और उसके बाद वो शॉट दिया था। ये बात खुद सलमान खान ने बताई थी और इसलिए उस सीन में रियल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिले थे। ये बात सभी जानते हैं कि सलमान खान एक बहुत अच्छे पेंटर हैं। यहाँ तक कि सलमान खान की कुछ पेंटिंग्स आमिर ने खरीदी हैं। खास बात तो ये है कि जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी जय हो, उसके पोस्टर्स खुद सलमान खान ने पेंट किए थे। वैसे तो इंडस्ट्री में सलमान खान सबके नाम सजेस्ट करते हैं फिल्मों के लिए, लेकिन एक था टाइगर के लिए उन्हें नहीं चुना गया था। फिल्म के लिए शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को चुना गया था, लेकिन शाहरुख खान ने फिल्म करने से मना कर दिया और कैट ने यानी कि कैटरीना कैफ ने कबीर को सलमान खान का नाम सजेस्ट किया कि सलमान भी ये फिल्म कर सकते हैं। ऐसे कबीर और सलमान खान की जान पहचान हुई। उसके बाद बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट जैसी फिल्में दोनों ने साथ मिलकर दी। 100 करोड़ से अधिक कमाई करने वाले सलमान खान आज भी बांद्रा में 3 BHK में रहते हैं। ये घर उनके फादर सलीम ने अपने पैसों से लिया था। उनका मानना है कि ये घर उनके लिए बहुत लगी है। इस घर से बाप बेटे ने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं और वो इस घर को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। बॉलीवुड के सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी 4 फिल्मों ने डोमेस्टिक में यानी कि सिर्फ बॉलीवुड में ही 300 करोड़ का बिजनेस किया। वो फिल्में हैं बजरंगी भाईजान, सुल्तान, किक और प्रेम रतन धन पायो। आप सभी ने देखा होगा कि भागने वाले सीन में सलमान खान काम नहीं करते या फिर बॉडी डबल का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी नाक 80% ब्लॉक रहती है। उन्हें डिवेटेड नजल सेप्टम है जिसकी वजह से सलमान ऐसे सीन नहीं देते। बात करते हैं उनके सॉन्ग्स की, यानी कि उनके फेवरेट सॉन्ग्स कौन कौन से हैं। तो सलमान खान को पुराने सॉन्ग्स बहुत पसंद है। उन्होंने एक बार अपनी प्लेलिस्ट ऑनलाइन भी शेयर की थी जिसमें चुरा लिया है तुमने और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे सॉन्ग शामिल थे। आप सभी जानते हैं कि सलमान किसी न किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। ये क्यों देते हैं आप जानते हैं? क्योंकि सलमान खान का कहना है कि अगर किसी फिल्म में मेरे 5 मिनट होने से वो फिल्म चल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों के लिए देता रहूंगा उनके फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस। और ये रिकॉर्ड बन गया है बॉलीवुड में। सबसे ज्यादा सलमान खान ने बॉलीवुड में गेस्ट अपीयरेंस दी है, लगभग 25 फिल्मों में। जान लेते हैं वेटरन के बारे में छोटी मोटी जानकारी। तो आप सभी जानते हैं कि वेटरन एक कोरियन फिल्म है जिसे हिंदी में बनाया जाएगा। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में हैं जिनकी जो कोरियन की डब है। भारत के बारे में आप जानते ही हैं, ओ टू माय फादर, प्रेम रतन धन पायो, मैस्क्वेराइड, श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म एक विलन, आई सॉ द डेविल, ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा, 7 डेज, ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल, ब्रोकन, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सिंग इज ब्लिंग, माय वाइफ इज गैंगस्टर, ऐसे और भी हैं। तो इस फिल्म के बजट के बारे में बात करते हैं तो बजट कहा जा रहा है कि 200 करोड़ है लगभग। इस फिल्म की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया होगी जैसे कि अबू धाबी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। अब फिल्म की शूटिंग बाहर देशों में होगी तो बजट तो मामूली सी बात है कि 200 करोड़ तो होना ही है। आपको बता दूं कि इसके रियल लाइफ प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए हैं। इस फिल्म के राइट्स को अतुल अग्निहोत्री के प्रोडक्शन हाउस रियल लाइफ प्रोडक्शन ने खरीदे हैं और इस बात की अतुल ने खुद पुष्टि की है कि सलमान खान फिल्म में होंगे ही, वो फाइनल हैं। दबंग में चुलबुल पांडे के रोल के बाद सलमान एक बार फिर से इस फिल्म में पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि खबर है कि वो पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म करेंगे, उसके बाद इसको हाथ लगाएंगे, क्योंकि सलमान खान नहीं चाहते कि ऑडियंस एक ही जैसे फिल्म देखे, क्योंकि भारत के बाद वो दबंग 3 लेकर आ रहे हैं। अगर दबंग 3 के बाद ये वेटरन करने लगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बॉडीगार्ड 2 सलमान खान क्यों करना चाहते हैं? 400 करोड़ की फिल्म बॉडीगार्ड सीक्वल की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? बॉडीगार्ड ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस किया था? बॉडीगार्ड में राज बब्बर से पहले किस सुपरस्टार को कास्ट किया गया था? तेरी मेरी सॉन्ग किसकी कॉपी है? बॉडीगार्ड 2 की शूटिंग 2021 में शुरू होने की संभावना है, क्योंकि भाई जान अभी भारत की शूटिंग में बिजी है। इसके बाद अपने भाई अरबाज खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग करेंगे। अगर गुप्त सूत्रों की माने तो भाई जान ने धूम 4 के लिए अभी मना नहीं किया है। फिर इसके बाद शेर खान की शूटिंग करेंगे जिसके डायरेक्टर होंगे सोहेल खान। इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में सलमान खान दीपिका के साथ नजर आ सकते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो सलमान खान इन्हीं फिल्मों में बिजी होने के बाद भी बॉडीगार्ड 2 की शूटिंग कर लेंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2020 के नवंबर दिसंबर में शुरू हो सकती है और 2021 में रिलीज होने की संभावना रहेगी।
सलमान खान एक बार फिर से बॉडीगार्ड बनकर दर्शकों का दिल जीतना चाहते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान अपने बहनोई अतुल अग्निहोत्री द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म बॉडीगार्ड के सीक्वल में काम करना चाहते हैं। फिल्म की कहानी तैयार है जिस पर सलमान ने अभी रजामंदी की मोहर लगा दी है। सीक्वल में करीना को ही दोबारा लेने की बात चल रही है। 2011 में रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे। न सिर्फ फिल्म के गाने बल्कि एक्शन भी सुपरहिट था। इस सीक्वल में एक बार फिर से कटरीना का आइटम नंबर होगा या नहीं, फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे इन दिनों सलमान अच्छे खासे व्यस्त हैं क्योंकि वो भारत की शूटिंग में बिजी हैं। बॉडीगार्ड 2011 में बनी हिंदी एक्शन फिल्म है जिसे सिद्दीकी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसका निर्माण अतुल अग्निहोत्री ने किया था। सलमान खान करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में राज बब्बर, महेश मांजरेकर और हेजल कीच अन्य भूमिकाओं में थे। फिल्म ने रिलीज होने पर कई रिकॉर्ड तोड़े। रिलीज के पहले दिन ही ये पहले दिन की उच्चतम कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने पहले हफ्ते में 100.10 करोड़ जमा कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। बलवंत सिंह सरताज राणा यानी कि राज बब्बर का बॉडीगार्ड था। एक रात बलवंत और उसकी प्रेग्नेंट बीवी एक हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसमें बलवंत मारा जाता है, परंतु उसकी पत्नी को सरताज बचा लेता है। वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो लवली रखती है। लवली सिंह यानी कि सलमान खान बड़ा होकर एक सुरक्षा कंपनी में काम करता है। सरताज के हुक्म पर लवली गोरख धंधा करने वाली टोली को पकड़ लेता है जिसका सरगना होता है रंजन महात्रे यानी कि महेश मांजरेकर। अपने भाइयों के साथ काम करता है। अपने दुश्मनों के बदले के डर से सरताज लवली को अपनी बेटी दिव्या यानी कि करीना कपूर का बॉडीगार्ड बना देता है। लवली सिंह अपने कार्य के प्रति समर्पित है, परंतु हर जगह दिव्या के पीछे पीछे जाकर वो उसे परेशान कर देता है। तंग आकर दिव्या और उसकी सहेली माया यानी कि हेजल कीच लवली को एक गुप्त नंबर से फोन करके छाया नाम से झूठे प्यार के नाटक में फंसा लेती है, इस उम्मीद में कि वो उनसे दूर रहेगा। धीरे धीरे लवली छाया से प्यार करने लगता है, पर इस बात से अनजान होता है कि छाया ही दिव्या है। दूसरी ओर लवली छाया को कई बार रंजन और उसके गुंडों से बचाता है। परिणाम स्वरूप दिव्या लवली से प्यार करने लगती है, पर उसे सच्चाई बताने से घबराती है क्योंकि लवली उसके पिता के प्रति बहुत वफादार है। आगे कुछ घटनाओं के चलते सरताज को ये शक होने लगता है कि लवली और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शायद भाग जाएंगे। वो अपने आदमियों को लवली के पीछे लगा देता है ताकि लवली की प्रियसी दिव्या निकली तो उसे मार दिया जाए। दिव्या अपने पिता को समझाती है कि वो लवली से प्यार नहीं करती है, लवली किसी और से प्यार करता है और उससे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला है। ये सोचकर कि अगर लवली को स्टेशन पर कोई नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए दिव्या अपनी सहेली माया को वहाँ भेज देती है ताकि वो उसे छाया की असलियत बता दे। लवली आखिरकार स्टेशन पर माया को देखकर इससे पहले कि वो उसे सच्चाई बता सके उसे गले लगा लेता है। माया भी उसे गले लगाकर मन ही मन मान लेती है कि वो छाया है। दिव्या बार बार माया को फोन करती है पर वो अपना फोन फेंक देती है और दिव्या को हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से मिटा देती है। लवली और माया दोनों शादी कर लेते हैं पर माया बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। वो अपने बेटे के लिए अपनी एक डायरी में अपने धोखे को कबूल करती है और उसे लवली और दिव्या को वापस मिलाने के लिए कहती है। कई साल बाद सरताज लवली और उसके बेटे को अपने घर बुलाता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। लवली को लगता है कि दिव्या की शादी हो चुकी है और वो लंदन में है, पर उसे घर पर देख उसे धक्का लगता है और पता चलता है कि दिव्या ने कभी शादी की ही नहीं। उसका बेटा दिव्या के करीब आ जाता है और अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता है। वापस लौटने के आखिरी दिन वो दिव्या से उसकी माँ बन के चलने को कहता है। लवली इस बात से गुस्सा होकर उसे माफी मांगने को कहता है पर वो मना कर देता है। सरताज लवली को बताता है कि इसकी भी यही इच्छा है और तब लवली मान जाता है। रेलवे स्टेशन पर उसका बेटा डायरी को फेंक देता है पर लवली वापस डायरी उठाकर पढ़ लेता है। पढ़ने पर उसे पता चलता है कि दिव्या असल में ही उसकी छाया थी। वो दिव्या को फोन करके उसे छाया बुलाता है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है और लवली का बेटा उन दोनों को खुशी से देखता रहता है। इस फिल्म के मुख्य पात्र हैं सलमान खान यानी कि लवली सिंह, करीना कपूर दिव्या, राज बब्बर सरताज सिंह राणा, हेजल कीच माया, रजत रवेल सुनामी सिंह, महेश मांजरेकर रंजन महात्रे, शरद सक्सेना बिंद्रा, विद्या सिन्हा, आदित्य पंचोली विक्रांत, कैटरीना कैफ
अतिथि कलाकार आया रे बॉडीगार्ड गीत में। प्रत्येक दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पहला दिन 21.2 करोड़, शनिवार 15.2 करोड़, रविवार 18.2 करोड़, पहला वीकेंड 54 करोड़, पहला हफ्ता 103 करोड़, दूसरा हफ्ता 21 करोड़, तीसरा हफ्ता 8 करोड़, भारत में कमाई 145 करोड़, दुनिया भर में कमाई 235 करोड़, संशोधित भारतीय कलेक्शन 247.95 करोड़, संशोधित दुनिया भर की कलेक्शन 401.85 करोड़। फिल्म से ताल्लुक रखने वाली कुछ खास बातें। सलमान और करीना की एक साथ ये पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान और आदित्य पंचोली पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आए थे। हेजल कीच ने इस फिल्म से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। करीना से पहले नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के किरदार में लेने का विचार हुआ था। करीना कपूर के पिता के रोल के लिए राज बब्बर से पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का विचार किया गया था। तेरी मेरी गाना क्रिसमस कैरोल का कॉपी वर्जन है। इस फिल्म के माध्यम से काफी समय बाद हिमेश ने सलमान खान की फिल्मों में म्यूजिक दिया था, जो कि हिट रहा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, बॉडीगार्ड 2 बननी चाहिए या नहीं? अगर बननी चाहिए तो इसमें सलमान खान ही होने चाहिए या कोई दूसरा अभिनेता? एक्ट्रेस को लेकर आपकी क्या राय है, करीना कपूर या कोई और? वैसे तो भाईजान की फिल्में सुपरहिट ही रहती हैं, लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका रीमेक और सीक्वल कभी भी बनाया जा सकता है और वो तभी भी सुपरहिट ही रहेंगी। वहीं 28 साल पहले सलमान खान की एक और ऐसी फिल्म आई थी, उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और आज भी सुपरहिट है, ये फिल्म थी मैंने प्यार किया। वहीं इस फिल्म में एक बेहद फ्रेश और खूबसूरत जोड़ी मिली थी। ये जोड़ी थी सलमान खान और भाग्यश्री की। इस जोड़ी की दोस्ती और प्यार भरी केमिस्ट्री को आज तक बॉलीवुड के लिए मिसाल माना जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक, इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग्स और सलमान भाग्यश्री का रोमांस आज तक सुपरहिट है। यूं तो सलमान जिस एक्ट्रेस के साथ भी जोड़ी बनाते हैं वो सुपरहिट हो जाती है, लेकिन भाग्यश्री के साथ जो मैजिक था वो शायद ही दोबारा दिखे। मैंने प्यार किया भाग्यश्री की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ रोमांस करती नजर आई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। वहीं इस फिल्म के बाद वे कुछ खास नहीं कर सकी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। सूरज बड़जात्या ने उनसे पहले दीप राज राणा का ऑडिशन देखा था और वो उन्हें काफी पसंद भी आए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान हर हाल में वक्त पर ही सेट पर पहुंचते थे। सलमान ने खुद वाक्या शेयर किया था कि उनका कॉल टाइम मॉर्निंग में होता था। वो कार से बांद्रा से कमालिस्तान, महबूब स्टूडियो, फिल्माला स्टूडियो जाते थे। अगर ट्रैफिक मिले तो वो कार से नीचे उतर कर दौड़ कर जाते थे, पर टाइम पर पहुंचते थे। इस फिल्म में उनके को स्टार रहे मोहनीश बहल ने कह दिया था कि फिल्म फ्लॉप होगी, लेकिन सलमान को विश्वास था कि फिल्म हिट होगी और हुई। सलमान को इस फिल्म में किसिंग सीन तो दूर, भाग्यश्री के साथ रोमांटिक सीन करने में काफी परेशानी हो रही थी। भाग्यश्री ने एक बार मीडिया को बताया था कि सलमान बहुत ही शर्मीले थे। जिस सीन में उन्हें भाग्यश्री के पैरों पर मलहम लगानी थी और रोमांटिक सॉन्ग फिल्माते हुए उन्हें काफी शर्म आ रही थी। सलमान खान ने जब पहली बार मैंने प्यार किया के लिए ऑडिशन दिया था तो उन्हें निर्माता सूरज बड़जात्या ने साइकिल चलाने को कहा था। इस फिल्म में सलमान और भाग्यश्री का दोस्ती से लेकर रोमांस तक का सफर बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। मैंने प्यार किया में सलमान और भाग्यश्री ने ऐसा मैजिक दिखाया कि आज तक बरकरार है। वहीं इस फिल्म में पहली बार किसी कबूतर ने बेहद अहम रोल निभाया था। सलमान खान की ये फिल्म आज तक पसंद की जाती है। आज तक इस फिल्म का म्यूजिक, डायलॉग्स और रोमांटिक सीन ब्लॉकबस्टर है। सलमान खान और सनी देओल की फिल्म कसाई कब रिलीज हो रही है और किस वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई थी? बिच्छू डंक मारे तो जान कैसे बच सकती है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज ना जाने कितने फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। आज ऐसी कई फिल्में बनी पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की फिल्म, जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलेन किरदार में थे। जब फिल्म में दो बड़े सितारे
तो उसका हिट होना लाजमी था। लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। आइए बात करते हैं कि किस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। सलमान खान और सनी देओल को आपने कई फिल्मों में साथ देखा होगा, पर उनकी एक फिल्म कसाई है जिसका आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों स्टार के विचार नहीं मिल रहे थे और वहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक एक्शन सीन को लेकर दोनों अभिनेताओं में जमकर तू तू मैं हुई। उसमें एक फाइट सीन होना था जिसमें सलमान खान को सनी देओल को बुरी तरह से पीटना था। आपको बता दें कि इस सीन के लिए सनी देओल ने मना कर दिया था और बहस भी शुरू कर दी। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार के बीच जमकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, इस फिल्म को वहीं रोक दिया। असल बात यह है कि उस समय सनी देओल बहुत बड़े सुपरस्टार थे और सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे। सनी देओल की इमेज एक एक्शन हीरो की थी जिसको वो गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और सनी देओल अभी एक स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म को बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में संजय दत्त को भी कास्ट किया गया है और उन्होंने भी फिल्म में काम किया है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म के कुछ सीन बचे हुए हैं जिनको फिर से शूट किया जाएगा और फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी सलमान खान का स्टारडम है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और इस बारिश के मौसम में बिच्छू बहुत निकलते हैं। अगर बिच्छू डंक मारे तो आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आपकी जान बच सकती है। दोस्तों, आप सभी ने बिच्छू को देखा ही होगा। ये बिच्छू दो प्रकार का होता है, एक काली बिच्छू और एक भूरी बिच्छू। इनमें से सबसे जहरीला भूरा बिच्छू होता है। भूरा बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। अगर भूरा बिच्छू किसी को डंक मार दिया तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बिच्छू अक्सर बरसात के मौसम में या तपती धूप में गर्मी के मौसम में अधिक देखा जाता है। अगर ये बिच्छू किसी को डंक मार देता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि उसको पीड़ा सहन ना कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग बिच्छू के डंक मारने से जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं, क्योंकि बिच्छू के मारने से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 100 में से एक लोग तो बिच्छू के काटने से मर गए हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस उपाय को करने से 2 मिनट में आपके अंदर का जहर दूर हो जाएगा। तरीका जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिच्छू के जहर को 2 मिनट में छू मंतर कर देगा ये उपाय। दोस्तों, लट जीरा पौधा को आपने देखा ही होगा, ये बिच्छू के जहर को पल भर में दूर करता है। अगर आप इस पौधे से अपरिचित हैं तो इसका चित्र आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, लट जीरा नामक पौधा जहां पर उपलब्ध हो वहां से इसका एक पौधा जड़ सहित उखाड़ लाइए। फिर इस पौधे को बारीक कूट कूट कर इसका रस निचोड़ लें। फिर 50 ग्राम सरसों का तेल लेकर इस तेल को किसी बर्तन में लेकर गर्म करें। जब सरसों का तेल उबरने लगे तो इसमें लट जीरा के रस को मिला दें, खूब खौला लें। इसके बाद जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मार दिया है उस जगह पर इस मिश्रण का लेप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू का जहर 2 मिनट में दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा 100% सही है और विशेषज्ञों द्वारा अजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के
दो सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। सलमान और सनी देओल में किस सीन को लेकर हुआ झगड़ा? 2019 में सलमान खान और सनी देओल किस फिल्म में साथ आने वाले हैं? सनी देओल ने ऐसा क्यों कहा कि मैं सभी एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ मेरे साथ काम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। सलमान खान और सनी देओल की फिल्म कसाई कब रिलीज हो रही है और किस वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई थी? बिच्छू डंक मारे तो जान कैसे बच सकती है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। दोस्तों बॉलीवुड में हर रोज ना जाने कितने फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। आज ऐसी कई फिल्में बनी पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की फिल्म
जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलेन किरदार में थे। जब फिल्म में दो बड़े सितारे तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म कभी सिनेमाघरों में रिलीज हो पाए। आइए बात करते हैं कि किस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। सलमान खान और सनी देओल को आपने कई फिल्मों में साथ देखा होगा, पर उनकी एक फिल्म कसाई है जिसका आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों स्टार के विचार नहीं मिल रहे थे और वहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक एक्शन सीन को लेकर दोनों अभिनेताओं में जमकर तू तू मैं हुई। उसमें एक फाइट सीन होना था जिसमें सलमान खान को सनी देओल को बुरी तरह से पीटना था। आपको बता दें कि इस सीन के लिए सनी देओल ने मना कर दिया था और बहस भी शुरू कर दी। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार के बीच जमकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, इस फिल्म को वहीं रोक दिया। असल बात यह है कि उस समय सनी देओल बहुत बड़े सुपरस्टार थे और सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे। सनी देओल की इमेज एक एक्शन हीरो की थी जिसको वो गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और सनी देओल अभी एक स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म को बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में संजय दत्त को भी कास्ट किया गया है और उन्होंने भी फिल्म में काम किया है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म के कुछ सीन बचे हुए हैं जिनको फिर से शूट किया जाएगा और फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी सलमान खान का स्टारडम है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और इस बारिश के मौसम में बिच्छू बहुत निकलते हैं। अगर बिच्छू डंक मारे तो आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जिससे आपकी जान बच सकती है। दोस्तों, आप सभी ने बिच्छू को देखा ही होगा। ये बिच्छू दो प्रकार का होता है, एक काली बिच्छू और एक भूरी बिच्छू। इनमें से सबसे जहरीला भूरा बिच्छू होता है। भूरा बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। अगर भूरा बिच्छू किसी को डंक मार दिया तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बिच्छू अक्सर बरसात के मौसम में या तपती धूप में गर्मी के मौसम में अधिक देखा जाता है। अगर ये बिच्छू किसी को डंक मार देता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि उसको पीड़ा सहन ना कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग बिच्छू के डंक मारने से जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं, क्योंकि बिच्छू के मारने से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 100 में से एक लोग तो बिच्छू के काटने से मर गए हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस उपाय को करने से 2 मिनट में आपके अंदर का जहर दूर हो जाएगा। तरीका जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिच्छू के जहर को 2 मिनट में छू मंतर कर देगा ये उपाय। दोस्तों, लट जीरा पौधा को आपने देखा ही होगा, ये बिच्छू के जहर को पल भर में दूर करता है। अगर आप इस पौधे से अपरिचित हैं तो इसका चित्र आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, लट जीरा नामक पौधा जहां पर उपलब्ध हो वहां से इसका एक पौधा जड़ सहित उखाड़ लाइए। फिर इस पौधे को बारीक कूट कूट कर इसका रस निचोड़ लें। फिर 50 ग्राम सरसों का तेल लेकर इस तेल को किसी बर्तन में लेकर गर्म करें। जब सरसों का तेल उबरने लगे तो इसमें लट जीरा के रस को मिला दें, खूब खौला लें। इसके बाद जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मार दिया है उस जगह पर इस मिश्रण का लेप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू का जहर 2 मिनट में दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा 100% सही है और विशेषज्ञों द्वारा अजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई है।
और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घर में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती हैं। आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण से ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब डिब्बा बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन के किरदार में थे। जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो फिल्म का हिट होना तो लाजमी है, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। फिल्म मेकर्स की तरफ से काफी कोशिशें की गई, लेकिन आखिर में जाकर फिल्म को बंद ही करना पड़ा। लेकिन अब इतने सालों बाद फिल्म मेकर्स इस फिल्म को रिलीज करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सलमान खान और सनी देओल के बीच की जो खटास थी वो फाइनली जाकर कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और इसीलिए फिल्म मेकर्स चाहते हैं इस फिल्म को रिलीज करना। जल्द से जल्द वो डेट्स देख रहे हैं कि किस दिन इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 2020 एंडिंग तक रिलीज हो जाएगी। फिल्म का टीजर भी तैयार किया जा रहा है और फिल्म मेकर्स का कहना है कि न्यू ईयर ईव पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। दोनों एक्टर्स के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त दबंग 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो जल्द ही किक 2 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे और साथ ही शेर खान की शूटिंग स्टार्ट होने की भी खबरें आ चुकी हैं। वहीं सनी देओल की हाल ही में रिलीज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास काम नहीं कर पाई। इसके अलावा वो इस वक्त अपने बेटे की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास पर काम कर रहे हैं जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो
या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जीत टू की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होनी है। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। सनी देओल और सलमान खान स्टारर जीत की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। आइए नजर दौड़ाते हैं इस कामयाबी के फॉर्मूले पर। बात करते हैं सलमान खान की आई वांटेड फिल्म। बात 2009 की है। सलमान खान की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। माना जाने लगा था कि सलमान खान अब चूक गए हैं। इसी बीच वांटेड को ईद पर रिलीज किया गया। इस फिल्म से किसी को खास उम्मीदें नहीं थी। प्रभु देवा पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे। सलमान का करियर डामाडोल था।
हीरोइन आयशा टाकिया की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। ईद ने मामला संभाल लिया। सलमान की ये फिल्म बेहद पसंद की गई। यहीं से सलमान को समझ आया कि ईद पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बात करते हैं सलमान खान की दबंग, जो की 2010 में आई थी। फिल्म के शुरू होने के पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इसे ईद पर रिलीज करेंगे। ईद को सलमान भाग्यशाली मानने लगे थे। दबंग ईद पर प्रदर्शित हुई और फिल्म ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 140 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन हुए। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब सलमान को अपने फॉर्मूले पर पक्का यकीन हो गया था। बात करते हैं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की, जो कि 2011 में आई थी। लगातार तीसरे वर्ष सलमान ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। बॉडीगार्ड को ताबड़तोड़ बनाकर ईद पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म खास नहीं थी, बावजूद इसके यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग से भी आगे निकल गई। 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब तो सलमान ने सोच लिया कि ईद पर उनकी ही फिल्म प्रदर्शित हो। अब बात करते हैं उनकी फिल्म एक था टाइगर की, जो कि 2012 में आई थी। ईद पर सलमान का एकाधिकार हो गया। लगातार चौथे वर्ष में ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। दर्शक भी सलमान की फिल्मों का ईद पर इंतजार करने लगे। फिल्म के रूप में सलमान ईदी देते और दर्शक फिल्म पर अपना प्यार लुटाते। हर ईद पर उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा कामयाब होती। एक था टाइगर बॉडीगार्ड से आगे निकल गई। 98 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब बात करते हैं उनकी फिल्म किक की, जो कि 2014 में आई थी। 2013 की ईद तो सलमान मिस कर गए। कोई फिल्म तैयार ही नहीं हुई। मौका देखकर शाहरुख खान ने चौका लगा दिया। 2013 की ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज कर कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में सलमान ने किसी को मौका नहीं दिया। किक के जरिए वे आए और छा गए। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन इस फिल्म ने किए। पहली बार सलमान 200 करोड़ क्लब में शामिल हुए। अब बात करते हैं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो कि 2015 में आई थी। 2015 में सलमान बजरंगी भाईजान के रूप में ईद पर आए और कमाल कर दिया। ऐतिहासिक सफलता उनकी फिल्म ने हासिल की। 320 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इसे सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना गया। जीत के बाद सलमान खान और सनी देओल एक ही फिल्म में। सलमान खान और सनी देओल ने जीत फिल्म में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों लीड रोल में कभी साथ नहीं दिखे। पिछले दिनों सनी देओल से पूछा गया कि क्या वे सलमान खान के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे। इस पर सनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई निर्माता या निर्देशक हम दोनों को एक ही फिल्म में साइन करेगा। यदि करता भी है तो हम दोनों के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सनी के अनुसार यदि कोई स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी तो वे किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सनी के सलमान बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जीत इसलिए सनी के साथ की थी क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि सनी बड़े स्टार थे। सलमान ने सनी के साथ यह सोचकर फिल्म की थी कि सनी के होने से फिल्म चल जाएगी और उनका करियर फिर संवर जाएगा। वहीं सलमान और सनी को एक दूसरे के साथ फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई निर्माता क्या दोनों को एक ही फिल्म में पेश करेगा। बात करें सलमान खान की तो काफी समय से उनका लव ट्राइंगल लोगों ने नहीं देखा है। आपको याद दिला दे सलमान खान के बेस्ट लव ट्राइंगल्स की, हम दिल दे चुके सनम। जी, सलमान का सबसे बेहतरीन लव ट्राइंगल ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ। हालांकि अंत में ऐश्वर्या राय ने चुना अजय देवगन को ही। अब बात करते हैं फिल्म साजन की। सलमान खान और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित के इस प्रेम त्रिकोण को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ संजय दत्त और सलमान खान एक ही लड़की के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म चल मेरे भाई की। अब इस फिल्म में सलमान को लड़की चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती गाने में बोलते हैं। लेकिन फिर दो भाइयों को एक ही लड़की में रोमांस नजर आता है और होता है ढेर सारा त्याग और बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म हेलो ब्रदर की। सलमान खान नहीं, उनका भूत इस लव ट्रायंगल का हिस्सा रहता है। फिल्म में सलमान का दिल रानी पर आया होता है, लेकिन फिर सलमान खान का मर्डर हो जाता है और वो भूत बनकर अरबाज खान को रानी का दिल जीतने की टिप्स देते हैं। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की तिगड़ी लोगों को पसंद काफी आई थी। हालांकि फिल्म टीवी पर ज्यादा चली। प्रीति जिंटा, सलमान खान और रानी मुखर्जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के लिए खास था शायद। अब बात करते हैं उनकी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। ये फिल्म उस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। यहाँ एक बेहोश रानी मुखर्जी थी।
जिनको सलमान ने खुदकुशी करने से बचाया था और रानी उनके प्यार में पड़कर कोमा में चली गई। वहीं प्रीति जिंटा थी जो सलमान के प्यार में पड़ गई। अब बात करते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है, तो इस फिल्म में एक नहीं दो दो लव ट्राइंगल थे। समझाते हैं, पहले राहुल यानी की शाहरुख खान, उन पर रानी और काजोल यानी की टीना और अंजलि फिदा थी। इसके बाद अंजलि यानी कि काजोल पर राहुल और अमन यानी कि शाहरुख और सलमान खान फिदा थे। बात करते हैं उनकी फिल्म सावरिया की। रणवीर कपूर के डेब्यू से ही सलमान खान उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। खैर, इस फिल्म में सोनम कपूर सलमान पर लट्टू थी और रणवीर कपूर सोनम के आगे पीछे डोलते नजर आए थे। बात करते हैं उनकी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सबसे अजीब लव ट्राइंगल, वो लव ट्राइंगल जो शाहरुख खान इमेजिन करते हैं पर कभी होता नहीं है। फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आए थे। अब बात करते हैं उनकी फिल्म जीत की। सलमान खान और सनी देओल में से जाहिर सी बात है लड़की को सनी देओल चुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की ने सलमान खान को चुना था। बात करते हैं उनकी फिल्म बीवी नंबर वन की। घरवाली बाहर वाली ये लव ट्रायंगल, यानी कि सलमान का दिल इतना चंचल था कि अंदर करिश्मा कपूर पर लट्टू था और बाहर सुष्मिता सेन पर। अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो, एक नहीं दो दो सलमान खान वाला लव ट्राइंगल। यहाँ सोनम कपूर पर सलमान खान लट्टू थे। इस फिल्म में सोनम कपूर पर एक नहीं दो दो सलमान खान दीवाने हुए पड़े थे। बात करते हैं उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी, एक जबरदस्त धुआंधार लव ट्राइंगल। सलमान खान और अक्षय कुमार पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ते दिखाई दिए थे, हालांकि अंत में अक्षय कुमार ने पलटी मार ली थी। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी एक नहीं दो दो लव ट्राइंगल थे। सलमान और सोहेल कैटरीना के दीवाने थे, वहीं कैटरीना और सुष्मिता सेन सलमान खान की दीवानी थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बाहर सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए G2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म
हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए, तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वही अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से हुई। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द हेलो एवरीवन, अग्रांशु ग्रोवर ओवर हियर एंड यू आर वाचिंग बॉलीग्रास स्टूडियोज। लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, देन टुडे एवरीवन इज ऑब्सेस्ड इन मेकिंग सीक्वल्स। वेदर वी टॉक अबाउट सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, एवरीवन इज मेकिंग सीक्वल। एंड देयर इज अ न्यूज़ इन बॉलीवुड सर्कल दैट आवर वेरी ओन एक्शन सुपरस्टार सनी देओल is also making sequel of his film Jeet. There's also news that this time script will be based on woman empowerment. Sanjay Deol said in continuity that Salman Khan demanded a script which had a little bit spice of romance in it. As we all know that family has been a major part of Salman Khan's film, but this time he wants romance too. So this script will be a mixture of Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun and Tere Naam, which make this script a whole lot interesting. Jeet film was released in 1996 and audience appreciated both of their efforts. They both played a completely different role, but they both were good. This action romance drama film was loved by everyone. Salman Khan played a role of a simple guy in this film. On the other hand, Sunny Deol played the role of a bold person. They both were seen together in set of heroes and this film was also loved by everyone. From that point, everyone is waiting for both of them to come together and give us another blockbuster. Jeet film was released in 1996
and was directed by Raj Kavar and produced by Sajid Nadiawala. Star cast includes Sunny Deol, Salman Khan and Karishma Kapoor as leads, and in supporting role there were Amrish Puri and Alok Nath. There was a special appearance by Tabu. The story about Karan, a feared hitman who falls in love with Kajal, but Kajal was married off to Raju. And when Raju plans to expose his father's illegal activities, Karan was hired to kill him. But when it comes to his knowledge that Raju is Kajal's husband, he helped him to kill all his enemies, but get himself killed in the process. Jeet was released in 26 August 1996. At that time, Sunny Deol was one of those stars who were giving continuous blockbuster. Sunny Deol is one of those stars who keep searching for a formula to make their film hit. And I guess he had that formula this time also. Salman Khan. Whenever Salman Khan releases his film on Eid, it's always a blockbuster. So now we have to see that whether this film is going to be a blockbuster or not. सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है, उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? जी 2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान। हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जी 2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था, तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में हैं। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में हैं, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी की करिश्मा कपूर प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी की आलोक नाथ की बेटी है। वहीं करण के किरदार में सनी देओल गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होनी है। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। सनी देओल और सलमान खान स्टारर जीत की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी।
सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। आइए नजर दौड़ाते हैं इस कामयाबी के फॉर्मूले पर। बात करते हैं सलमान खान की आई वांटेड फिल्म। बात 2009 की है। सलमान खान की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। माना जाने लगा था कि सलमान खान अब चूक गए हैं। इसी बीच वांटेड को ईद पर रिलीज किया गया। इस फिल्म से किसी को खास उम्मीदें नहीं थी। प्रभु देवा पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे। सलमान का करियर डामाडोल था। हीरोइन आयशा टाकिया की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। ईद ने मामला संभाल लिया। सलमान की ये फिल्म बेहद पसंद की गई। यहीं से सलमान को समझ आया कि ईद पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बात करते हैं सलमान खान की दबंग, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म के शुरू होने के पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इसे ईद पर रिलीज करेंगे। ईद को सलमान भाग्यशाली मानने लगे थे। दबंग ईद पर प्रदर्शित हुई और फिल्म ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 140 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन हुए। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब सलमान को अपने फॉर्मूले पर पक्का यकीन हो गया था। बात करते हैं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की, जो कि 2011 में आई थी। लगातार तीसरे वर्ष सलमान ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। बॉडीगार्ड को ताबड़तोड़ बनाकर ईद पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म खास नहीं थी, बावजूद इसके यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग से भी आगे निकल गई। 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब तो सलमान ने सोच लिया कि ईद पर उनकी ही फिल्म प्रदर्शित हो। अब बात करते हैं उनकी फिल्म एक था टाइगर की, जो कि 2012 में आई थी। ईद पर सलमान का एकाधिकार हो गया। लगातार चौथे वर्ष ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। दर्शक भी सलमान की फिल्मों का ईद पर इंतजार करने लगे। फिल्म के रूप में सलमान ईदी देते और दर्शक फिल्म पर अपना प्यार लुटाते। हर ईद पर उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा कामयाब होती। एक था टाइगर बॉडीगार्ड से आगे निकल गई। 198 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। बात करते हैं उनकी फिल्म किक की, जो कि 2014 में आई थी। 2013 की ईद तो सलमान मिस कर गए। कोई फिल्म तैयार ही नहीं हुई। मौका देखकर शाहरुख खान ने चौका लगा दिया। 2013 की ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज कर कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में सलमान ने किसी को मौका नहीं दिया। किक के जरिए वे आए और छा गए। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन इस फिल्म ने किए। पहली बार सलमान 200 करोड़ क्लब में शामिल हुए। अब बात करते हैं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो कि 2015 में आई थी। 2015 में सलमान बजरंगी भाईजान के रूप में ईद पर आए और कमाल कर दिया। ऐतिहासिक सफलता उनकी फिल्म ने हासिल की। 320 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इसे सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना गया। जीत के बाद सलमान खान और सनी देओल एक ही फिल्म में। सलमान खान और सनी देओल ने जीत फिल्म में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों लीड रोल में कभी साथ नहीं दिखे। पिछले दिनों सनी देओल से पूछा गया कि क्या वे सलमान खान के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे। इस पर सनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई निर्माता या निर्देशक हम दोनों को एक ही फिल्म में साइन करेगा। यदि करता भी है तो हम दोनों के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सनी के अनुसार यदि कोई स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी तो वे किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सनी के सलमान बहुत बड़े फैन है
उनका कहना है कि उन्होंने जीत इसलिए सनी के साथ की थी क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि सनी बड़े स्टार थे। सलमान ने सनी के साथ यह सोचकर फिल्म की थी कि सनी के होने से फिल्म चल जाएगी और उनका करियर फिर संवर जाएगा। वहीं सलमान और सनी को एक दूसरे के साथ फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई निर्माता क्या दोनों को एक ही फिल्म में पेश करेगा? बात करें सलमान खान की तो काफी समय से उनका लव ट्राइंगल लोगों ने नहीं देखा है। आपको याद दिला दे सलमान खान के बेस्ट लव ट्राइंगल्स की, हम दिल दे चुके सनम। जी, सलमान का सबसे बेहतरीन लव ट्रायंगल ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ, हालांकि अंत में ऐश्वर्या राय ने चुना अजय देवगन को ही। अब बात करते हैं फिल्म साजन की। सलमान खान और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित के इस प्रेम त्रिकोण को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ संजय दत्त और सलमान खान एक ही लड़की के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म चल मेरे भाई की। अब इस फिल्म में सलमान को लड़की चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती गाने में बोलते हैं। लेकिन फिर दो भाइयों को एक ही लड़की में रोमांस नजर आता है और होता है ढेर सारा त्याग और बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म हेलो ब्रदर की। सलमान खान नहीं, उनका भूत इस लव ट्रायंगल का हिस्सा रहता है। फिल्म में सलमान का दिल रानी पर आया होता है, लेकिन फिर सलमान खान का मर्डर हो जाता है और वो भूत बनकर अरबाज खान को रानी का दिल जीतने की टिप्स देते हैं। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की तिगड़ी लोगों को पसंद काफी आई थी। हालांकि फिल्म टीवी पर ज्यादा चली। प्रीति जिंटा, सलमान खान और रानी मुखर्जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के लिए खास था शायद। अब बात करते हैं उनकी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। ये फिल्म उस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। यहाँ एक बेहोश रानी मुखर्जी थी जिनको सलमान ने खुदकुशी करने से बचाया था और रानी उनके प्यार में पड़कर कोमा में चली गई। वहीं प्रीति जिंटा थी जो सलमान के प्यार में पड़ गई। अब बात करते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है। तो इस फिल्म में एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे, समझाते हैं। पहले राहुल यानी की शाहरुख खान, उन पर रानी और काजोल यानी की टीना और अंजलि फिदा थी। इसके बाद अंजलि यानी कि काजोल पर राहुल और अमन यानी कि शाहरुख और सलमान खान फिदा थे। बात करते हैं उनकी फिल्म सावरिया की। रणवीर कपूर के डेब्यू से ही सलमान खान उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। खैर, इस फिल्म में सोनम कपूर सलमान पर लट्टू थी और रणवीर कपूर सोनम के आगे पीछे डोलते नजर आए थे। बात करते हैं उनकी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सबसे अजीब लव ट्रायंगल, वो लव ट्रायंगल जो शाहरुख खान इमेजिन करते हैं पर कभी होता नहीं है। फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आए थे। अब बात करते हैं उनकी फिल्म जीत की। सलमान खान और सनी देओल में से जाहिर सी बात है लड़की को सनी देओल चुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की ने सलमान खान को चुना था। बात करते हैं उनकी फिल्म बीवी नंबर वन की। घरवाली बाहर वाली ये लव ट्रायंगल, यानी कि सलमान का दिल इतना चंचल था कि अंदर करिश्मा कपूर पर लट्टू था और बाहर सुष्मिता सेन पर। अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। एक नहीं दो दो सलमान खान वाला लव ट्रायंगल, यहाँ सोनम कपूर पर सलमान खान लट्टू थे। इस फिल्म में सोनम कपूर पर एक नहीं दो दो सलमान खान दीवाने हुए पड़े थे। बात करते हैं उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी। एक जबरदस्त धुआंधार लव ट्रायंगल, सलमान खान और अक्षय कुमार पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ते दिखाई दिए थे, हालांकि अंत में अक्षय कुमार ने पलटी मार ली थी। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे। सलमान और सोहेल कैटरीना के दीवाने थे, वहीं कैटरीना और सुष्मिता सेन सलमान खान की दीवानी थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि G2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ
बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बाहर सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान। हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वही एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जी 2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था, तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबु विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होगी। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप जी 2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें
And don't forget to press the bell icon for more updates and notifications. Let's get started. If we're talking about Bollywood, then today everyone is obsessed in making sequels. Whether we talk about Salman Khan, Aamir Khan or Shah Rukh Khan, everyone is making sequel. And there's a news in Bollywood circle that our very own action superstar Sunny Deol is also making sequel of his film Jeet. There's also news that this time script will be based on woman empowerment. Sunny Deol said in continuity that Salman Khan demanded a script which had a little bit spice of romance in it. As we all know that family has been a major part of Salman Khan's film, but this time he wants romance too. So this script will be a mixture of Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun and Tere Naam, which make this script a whole lot interesting. Jeet film was released in 1996 and audience appreciated both of their efforts. They both played a completely different role, but they both were good. This action romance drama film was loved by everyone. Salman Khan played a role of a simple guy in this film. On the other hand, Sunny Deol played the role of a bold person. They both were seen together in set of heroes and this film was also loved by everyone. From that point, everyone is waiting for both of them to come together and give us another blockbuster. Jeet film was released in 1996 and was directed by Raj Kanwar and produced by Sajid Nadiawala. Star cast includes Sunny Deol, Salman Khan and Karishma Kapoor as leads, and in supporting role there were Amrish Puri and Alok Nath. There was a special appearance by Tabu. The story about Karan, a feared hitman who falls in love with Kajal, but Kajal was married off to Raju. And when Raju plans to expose his father's illegal activities, Karan was hired to kill him. But when it comes to his knowledge that Raju is Kajal's husband, he helped him to kill all his enemies, but get himself killed in the process. Jeet was released in 26 August 1996. At that time, Sunny Deol was one of those stars who were giving continuous blockbuster. Sunny Deol is one of those stars who keep searching for a formula to make their film hit. And I guess he had that formula this time also. Salman Khan. Whenever Salman Khan releases his film on Eid, it's always a blockbuster. So now we have to see that whether this film is going to be a blockbuster or not. सुपरस्टार सनी देओल और सलमान खान की फिल्म जीत को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? आखिरकार क्या कारण है कि इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की जा रही है? आपका मैं स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में, जहां मैं बात करूंगा जीत फिल्म के बारे में। ये वो फिल्म थी, इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ का तड़का दिया गया था। यही कारण था कि यह फिल्म बॉलीवुड कल्ट फिल्म में शामिल की गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में सनी देओल का वो अवतार था जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब वो इस फिल्म में रोमांस करते हैं तो एक बच्चे से नजर आते हैं, और जब वो अपने उस रोमांस के विरुद्ध एक जंग छेड़ते हैं तो उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता है कि उस प्यार से उगलता हुआ एक ऐसा आग का गोला जिसके सामने हर कोई शख्स अपने आप को बुझा हुआ महसूस करेगा। और ये वही फिल्म थी जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने बौने से नजर आए थे। इस फिल्म का ओपनिंग सीन अपने आप में लाजवाब था। इस फिल्म में जो ओपनिंग सीन था उसमें करिश्मा कपूर नृत्य कर रही, और एक ऐसा नृत्य एक कच्ची उम्र की लड़की कैसे कर सकती है। मैं तो ये फिल्म देख करके हैरान हो गया था, लेकिन मैं ये भूला नहीं, वो कपूर खानदान की कन्या थी जो तो ऐसा नृत्य कर ही सकती थी। सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर की सोच, उसने उस नृत्य के माध्यम से जो दृश्य प्रस्तुत किया है वो अपने आप में लाजवाब था। फिर तो सबसे बड़ी बात, सनी देओल का एंट्री वाला सीन धमाकेदार, और क्यों ना हो धमाकेदार, उस समय सनी देओल बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार के रूप में जाने जाते थे जिनके सामने बड़े बड़े स्टार बौने साबित हुए। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना, इन सब का अपना बोलबाला था, और ये वही भी दौर था जहां से इनके बोलबाले में थोड़ी सी गिरावट भी आ रही थी,
लेकिन सनी देओल इन सब सुपरस्टारों के बीच से निकलता हुआ एक ऐसा आग का गोला था कि जो अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया था। लोग ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक्टर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सनी देओल का जो संवाद बोलने का तरीका था वो इसमें भी उसी प्रकार से था, लेकिन जो सनी देओल का जो प्यार करने का तरीका था, जब वो करिश्मा कपूर से मिलते हैं तो जैसे बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं, और सनी देओल ने इसी शैली को अपने फिल्म गदर में दोहराया है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि सनी देओल ने हूबहू अमीषा पटेल के सामने गदर में इसी प्रकार का अभिनय किया है जिस प्रकार का अभिनय जीत फिल्म में करिश्मा कपूर के सामने सनी देओल ने किया है। ये तो रही रोमांस की, खास करके ये जो फिल्म थी एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि इसकी प्रेम कहानी अपने आप में लाजवाब थी। इस फिल्म का नायक यानी कि सनी देओल एक सुपरस्टार सनी देओल और सलमान खान के फिल्म जीत को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? आखिरकार क्या कारण है कि इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की जा रही है? आपका मैं स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में, जहां मैं बात करूंगा जीत फिल्म के बारे में। ये वो फिल्म थी, इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ का तड़का दिया गया था। यही कारण था कि यह फिल्म बॉलीवुड कल्ट फिल्म में शामिल की गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में सनी देओल का वो अवतार था जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब वो इस फिल्म में रोमांस करते हैं तो एक बच्चे से नजर आते हैं, और जब वो अपने उस रोमांस के विरुद्ध एक जंग छेड़ते हैं तो उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता है कि उस प्यार से उगलता हुआ एक ऐसा आग का गोला जिसके सामने हर कोई शख्स अपने आप को बुझा हुआ महसूस करेगा। और ये वही फिल्म थी जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने बौने से नजर आए थे। इस फिल्म का ओपनिंग सीन अपने आप में लाजवाब था। इस फिल्म में जो ओपनिंग सीन था उसमें करिश्मा कपूर नृत्य कर रही, और एक ऐसा नृत्य एक कच्ची उम्र की लड़की कैसे कर सकती है? मैं तो ये फिल्म देख करके हैरान हो गया था, लेकिन मैं ये भूला नहीं वो कपूर खानदान की कन्या थी जो तो ऐसा नृत्य कर ही सकती थी। सबसे बड़ी बात डायरेक्टर की सोच, उसने उस नृत्य के माध्यम से जो दृश्य प्रस्तुत किया है वो अपने आप में लाजवाब था। फिर तो सबसे बड़ी बात सनी देओल का एंट्री वाला सीन धमाकेदार, और क्यों ना हो धमाकेदार, उस समय सनी देओल बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार के रूप में जाने जाते थे जिनके सामने बड़े बड़े स्टार बौने साबित हुए। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना, इन सब का अपना बोलबाला था, और ये वही भी दौर था जहां से इनके बोलबाले में थोड़ी सी गिरावट भी आ रही थी, लेकिन सनी देओल इन सब सुपरस्टारों के बीच से निकलता हुआ एक ऐसा आग का गोला था कि जो अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया था। लोग ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक्टर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सनी देओल का जो संवाद बोलने का तरीका था वो इसमें भी उसी प्रकार से था, लेकिन जो सनी देओल का जो प्यार करने का तरीका था, जब वो करिश्मा कपूर से मिलते हैं तो जैसे बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं, और सनी देओल ने इसी शैली को अपने फिल्म गदर में दोहराया है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि सनी देओल ने हूबहू अमीषा पटेल के सामने गदर में इसी प्रकार का अभिनय किया है जिस प्रकार का अभिनय जीत फिल्म में करिश्मा कपूर के सामने सनी देओल ने किया है। यह तो रही रोमांस की, खास करके ये जो फिल्म थी एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि इसकी प्रेम कहानी अपने आप में लाजवाब थी। इस फिल्म का नायक यानी कि सनी देओल एक गली का गुंडा होता है जिसका नाम होता है कर्ण।
यानी कि उसके माँ बाप का कोई पता नहीं होता है। एक दिन वो करिश्मा कपूर से मिलता है और करिश्मा कपूर इसको मार धार करते हुए देखती है और सहम जाती है और डर जाती है, और वो डर जो है करिश्मा कपूर के जेहन में छिप जाता है। और जब करिश्मा कपूर इसके सामने आती है और सनी देओल को एक झापड़ त्राह से देती है, उस झापड़ की गूंज सनी देओल के दिल में प्यार का एक ऐसा फूल खिला देती है कि सनी देओल एक गुंडा से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। अब शुरुआत होती है सनी देओल और करिश्मा कपूर की प्रेम कहानी। फिर एक दिन सनी देओल को एक और अनाथ मिलता है। उस अनाथ के मिलने से सनी देओल को ऐसा लगता है कि ये उसके बचपन का बीता हुआ कल है। फिर सनी देओल उस बच्चे को अपने पास उठा लाता है और लोग उस बच्चे को कहते हैं टाइम पास। जब सनी देओल उससे नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, लोग मुझे टाइम पास के नाम से पुकारते हैं। तो सनी देओल उसे अपने पास जब लाता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता है। फिर वही बच्चा जब करिश्मा कपूर के पास जाता है तो करिश्मा कपूर को वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर करिश्मा कपूर सनी देओल के बारे में पूछती है, करण कैसा है, वो कैसा है। फिर उन बातों को सुन करके करिश्मा कपूर जो है ना सनी देओल के प्रति आकर्षित हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी भर किसी ने प्यार नहीं किया हो, जिसने जिंदगी भर कभी यह नहीं देखा हो कि कैसे होता है मां बाप का प्यार और भाई बहन का रिश्ता, वो इंसान तो ऐसा ही होगा। फिर करिश्मा कपूर सनी देओल से मिलती है। सनी देओल उससे कहता है, मिली तो हो लेकिन साथ कभी मत छोड़ना, और अगर तुमने साथ मेरा छोड़ दिया ना तो मैं उस शख्स की गर्दन काट दूंगा। सनी देओल और करिश्मा कपूर का मिलन अपने आप में लाजवाब था, क्योंकि जिस प्रकार से करिश्मा कपूर सनी देओल के सामने आती है, सनी देओल को विश्वास नहीं होता, यानी कि करण को विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़की है जो मुझसे डरती थी, आज मेरे सामने आई है। क्यों? उसके पीछे आने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक दिन बस में करिश्मा कपूर सवार होकर जा रही होती है और कुछ लड़के उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाएक उसकी नजर सनी देओल से टकराती है और सनी देओल की भी नजर करिश्मा कपूर से टकराती है, और जो कि करिश्मा कपूर का इसमें नाम होता है काजल। काजल और करण की नजर जैसे मिलती है, करिश्मा कपूर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और करण जो है छुपने की कोशिश करता है। फिर एकाएक जो कुछ गुंडे होते हैं वो करिश्मा कपूर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तभी करण की नजर गुंडों पर पड़ती है। फिर तो सनी देओल के अंदर का गुस्सा जाग जाता है, यानी कि वो यंगरी यंग मैन अपने अंदर के उस सैलाब को उन गुंडों पर ऐसे फोड़ता है कि बस के शीशे क्या सब कुछ चकनाचूर हो जाते हैं। फिर बस का जो कंडक्टर होता है वो बोलता है, भाई इस बस को ले चलो थाने। बस थाने पहुंचती है, पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि आशीष विद्यार्थी बोलते हैं, यार तू ये गुंडा है, साला तू गुंडा ही करेगा। जैसे उसको पकड़ते हैं, काजल कहती है, इंस्पेक्टर साहब इस इंसान किया कोई गुनाह नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर का मन तो नहीं करता छोड़ने को, लेकिन अफसोस वो उसे छोड़ देता है। यहीं से शुरू होता है उस प्यार का बीज। फिर चुपचाप करण वहां से चल देता है। तो इसके बाद करिश्मा कपूर और सनी देओल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और यह प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब रोज दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर एक दिन एंट्री होती है हमारे भाईजान की, और भाईजान जो होते हैं इसके बचपन के दोस्त होते हैं, और वो जब आते हैं तो बोलते हैं, भाई मेरी मां ने तुमसे रिश्ता तय किया था, शादी मैं तुमसे करूंगा। आप करिश्मा कपूर यह सुनकर के दंग रह जाती है कि आखिर मैं प्यार किसी और से करती हूं, शादी मैं इस शख्स से कैसे कर सकती हूं, माना कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। करिश्मा कपूर अपने पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनके पिताजी ठहरे रूढ़िवादी विचारधारा के, उनको हार्ट अटैक आता है
और उस हार्ट अटैक के दौरान काजल के पिता उसको मना लेते हैं सलमान खान से शादी करने के लिए। अब सलमान खान और करिश्मा कपूर की शादी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो दृश्य था, जब आता है सनी देओल और करिश्मा कपूर से, यानी कि काजल से कहता है, काजल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? काजल के हाथों में वो चाकू होता है और चाकू कितनी जोर से भीजती है कि हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है। अपने अंदर के शोले को दबा करके बोलती है, तुझसे मैं प्यार करूंगी, गली का गुंडा है, यहां से तेरे साथ में शादी करके मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये बात सुनते ही करण के अंदर का जितना प्यार होता है वो एक नया उमाड़ लेता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चक्रवात की तरह उसके दिल को पूरा मकोड़ देता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई होगी। चुपचाप करण वहां से खिसक जाता है। फिर काजल और सलमान खान की शादी हो जाती है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। इधर सनी देओल यानी कि करण फिर से वही शराब, वही सारी चीजों में डूब जाता है। और इसमें एक और करेक्टर है जो अपने आप में लाजवाब है, यानी कि लीजेंड है, तब्बू, जिसका नाम होता है तुलसी। इसका एक बेहतरीन संवाद है। तुलसी तुलसी तो घर के बाहर होती है और काजल जो होता है ना, आंखों में लगाया जाता है। जब यह लाइन तब्बू ने बोला था ना, क्या कहें यार, दिल को छू गया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि तब्बू की जो संवाद अदायगी है और जो अभिनय शैली है वो अपने आप में लाजवाब है। इस फिल्म में तब्बू ने एक ऐसी तवायब का रोल पोर्ट्रेट किया था जो किसी ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसको उससे कोई परवाह नहीं है। और इसमें एक बार तब्बू बोलती है, इस कोठे में जो है ना, ऐसे लोग आते हैं जो मेरे यहां मुझसे प्यार करते हैं, और एक कोठे वाली जो है ना, एक ऐसे भंवरे के पीछे पड़ी है जिस भंवरे को परवाह ही नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रेम कहानी है। अब फिर से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। अब इस फिल्म का सीक्वल बनेगा कहां से? इस फिल्म का सीक्वल बनेगा दोस्तों, क्योंकि सलमान खान और करिश्मा कपूर, इन दोनों की एक संतान पैदा होती है और उस संतान का नाम होता है करण। इन दोनों को बचाने के दौरान सनी देओल की मौत हो जाती है और उसी के प्यार में आकर के करिश्मा कपूर और सलमान खान अपने बेटे का नाम करण रख देते हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि एक एक सीन को ऐसे बुना गया है जैसे कि कोई मूर्तिकार हर मूर्ति के नए नक्श को ठीक करता है। इस फिल्म का डायरेक्टर कमाल की सोच रखता था। आज की तारीख में ऐसी फिल्में बनती कहां है? लोग सिर्फ टाइम पास फिल्में बनाते हैं, और उस समय की जो फिल्में होती थी वो इमोशन से परिपूर्ण होती थी। एक्शन का धमाका होता था और कॉमेडी का तड़का होता था, और गानों में वो ताजगी होती थी कि जब आप गाने सुनते थे तो आप खुद बा खुद अपने आप को इमोशनल होने से रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं, जब फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब हो तो ऐसी फिल्मों का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। और इस फिल्म के लिए सनी देओल को लेना चाहिए और सलमान खान को लेना चाहिए, और हीरोइन के रूप में मैं तो कहता हूं कैटरीना को ही ले लो यार। कैटरीना को लेने के बाद सबसे बड़ी मजा होगी कि ये कि जब कैटरीना की तरफ सनी देओल देखेंगे ना, तो सलमान खान को अपने आप ही लगेगा यार, ये तो रियल हो रहा है, रियलिस्टिक पूरा हो रहा है। और इन दोनों की अपनी एक जिंदगी भी इसमें उकेरी जाएगी, क्योंकि सनी देओल जब जवान थे ना, इनके बहुत सारे अफेयर थे, चाहे वो डिंपल कवाड़िया हो, चाहे फिर सैफ अली खान की भूतपूर्व बीवी यानी कि सारा अली खान की मम्मी का नाम आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वैसे बता देता हूं उनका नाम क्या है, अमृता सिंह। उनकी पहली फिल्म थी बेताब, और इस फिल्म को अपने आप में बॉलीवुड की क्लासिकल फिल्मों में शामिल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। और इस फिल्म की स्टोरी शुरू होगी कर्ण के रूप में, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूरी फिल्म जो थी महाभारत का एडाप्टेशन था। महाभारत के बहुत सारे प्रसंग को लेकर के इस फिल्म का निर्माण किया गया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस फिल्म का सिक्वल बनना चाहिए या एक गली का गुंडा होता है जिसका नाम होता है कर्ण, यानी कि उसके मां बाप का कोई पता नहीं होता है। एक दिन वो करिश्मा कपूर से मिलता है और करिश्मा कपूर इसको मार धार करते हुए देखती है और सहम जाती है और डर जाती है, और वो डर जो है करिश्मा कपूर के जेहन में छिप जाता है। और जब करिश्मा कपूर इसके सामने आती है और सनी देओल को एक झापड़ त्राक से देती है, उस झापड़ की गूंज सनी देओल के दिल में प्यार का एक ऐसा फूल खिला देती है कि सनी देओल एक गुंडा से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। अब शुरुआत होती है सनी देओल और करिश्मा कपूर की प्रेम कहानी। फिर एक दिन सनी देओल को एक और अनाथ मिलता है। उस अनाथ के मिलने से सनी देओल को ऐसा लगता है कि ये उसके बचपन का बीता हुआ कल है। फिर सनी देओल उस बच्चे को अपने पास उठा लाता है और लोग उस बच्चे को कहते हैं टाइम पास। जब सनी देओल उससे नाम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, लोग मुझे टाइम पास के नाम से पुकारते हैं। तो सनी देओल उसे अपने पास जब लाता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता है। फिर वही बच्चा जब करिश्मा कपूर के पास जाता है तो करिश्मा कपूर को वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर करिश्मा कपूर सनी देओल के बारे में पूछती है, करण कैसा है, वो कैसा है। फिर उन बातों को सुन करके करिश्मा कपूर जो है ना सनी देओल के प्रति आकर्षित हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी भर किसी ने प्यार नहीं किया हो, जिसने जिंदगी भर कभी यह नहीं देखा हो कि कैसे होता है मां बाप का प्यार और भाई बहन का रिश्ता, वो इंसान तो ऐसा ही होगा। फिर करिश्मा कपूर सनी देओल से मिलती है। सनी देओल उससे कहता है मिली तो हो लेकिन साथ कभी मत छोड़ना, और अगर तुमने साथ मेरा छोड़ दिया ना तो मैं उस शख्स की गर्दन काट लूंगा। सनी देओल और करिश्मा कपूर का मिलन अपने आप में लाजवाब था, क्योंकि जिस प्रकार से करिश्मा कपूर सनी देओल के सामने आती है, सनी देओल को विश्वास नहीं होता, यानी कि करण को विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़की है जो मुझसे डरती थी, आज मेरे सामने आई है क्यों। उसके पीछे आने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक दिन बस में करिश्मा कपूर सवार होकर जा रही होती है और कुछ लड़के उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाएक उसकी नजर सनी देओल से टकराती है और सनी देओल की भी नजर करिश्मा कपूर से टकराती है, और जो कि करिश्मा कपूर का इसमें नाम होता है काजल। काजल और करण की नजर जैसे मिलती है, करिश्मा कपूर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और करण जो है छुपने की कोशिश करता है। फिर एकाएक जो कुछ गुंडे होते हैं वो करिश्मा कपूर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तभी करण की नजर गुंडों पर पड़ती है। फिर तो सनी देओल के अंदर का गुस्सा जाग जाता है, यानी कि वो यंगरी यंग मैन अपने अंदर के उस सैलाब को उन गुंडों पर ऐसे फोड़ता है कि बस के शीशे क्या सब कुछ चकनाचूर हो जाते हैं। फिर बस का जो कंडक्टर होता है वो बोलता है भाई इस बस को ले चलो थाने। बस थाने पहुंचती है, पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि आशीष विद्यार्थी बोलते हैं यार तू ये गुंडा है, साला तू गुंडे ही करेगा। जैसे उसको पकड़ते हैं काजल कहती है इंस्पेक्टर साहब इस इंसान किया कोई गुनाह नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर का मन तो नहीं करता छोड़ने को, लेकिन अफसोस वो उसे छोड़ देता है। यहीं से शुरू होता है उस प्यार का बीज। फिर चुपचाप करण वहां से चल देता है। तो इसके बाद करिश्मा कपूर और सनी देओल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और ये प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब रोज दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर एक दिन एंट्री होती है हमारे भाई जान की, और भाई जान जो होते हैं इसके बचपन के दोस्त होते हैं, और वो जब आते हैं तो बोलते हैं भाई
मेरी मां ने तुमसे रिश्ता तय किया था, शादी में तुमसे करूंगा। आप करिश्मा कपूर यह सुनकर के दंग रह जाती है कि आखिर मैं प्यार किसी और से करती हूं, शादी में इस शख्स से कैसे कर सकती हूं। माना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करिश्मा कपूर अपने पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनके पिताजी ठहरे रूढ़िवादी विचारधारा के। उनको हार्ट अटैक आता है और उस हार्ट अटैक के दौरान काजल के पिता उसको मना लेते हैं सलमान खान से शादी करने के लिए। अब सलमान खान और करिश्मा कपूर की शादी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो दृश्य था, जब आता है सनी देओल और करिश्मा कपूर से, यानी कि काजल से कहता है, काजल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। काजल के हाथों में वो चाकू होता है और चाकू कितनी जोर से भींचती है कि हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है। अपने अंदर के शोले को दबा करके बोलती है, तुझसे मैं प्यार करूं, गली का गुंडा है, जया से तेरे साथ में शादी करके मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये बात सुनते ही करण के अंदर का जितना प्यार होता है वो एक नया उमाड़ लेता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चक्रवात की तरह उसके दिल को पूरा मकोड़ देता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई होगी। चुपचाप करण वहां से खिसक जाता है। फिर काजल और सलमान खान की शादी हो जाती है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। इधर सनी देओल यानी कि करण फिर से वही शराब, वही सारी चीजों में डूब जाता है। और इसमें एक और करेक्टर है जो अपने आप में लाजवाब है, यानी कि लीजेंट है, तब्बू, जिसका नाम होता है तुलसी। इसका एक बेहतरीन संवाद है। तुलसी तो घर के बाहर होती है और काजल जो होता है ना, आंखों में लगाया जाता है। जब यह लाइन तब्बू ने बोला था ना, क्या कहें यार, दिल को छू गया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि तब्बू की जो संवाद अदायगी है और जो अभिनय शैली है वो अपने आप में लाजवाब है। इस फिल्म में तब्बू ने एक ऐसी तवायब का रोल पोर्ट्रेट किया था जो किसी ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसको उससे कोई परवाह नहीं है। और इसमें एक बार तब्बू बोलती है, इस कोठे में जो है ना, ऐसे लोग आते हैं जो मेरे यहां मुझसे प्यार करते हैं, और एक कोठे वाली जो है ना, एक ऐसे भंवरे के पीछे पड़ी है जिस भंवरे को परवाह ही नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रेम कहानी है। अब फिर से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। अब इस फिल्म का सीक्वल बनेगा कहां से? इस फिल्म का सीक्वल बनेगा दोस्तों, क्योंकि सलमान खान और करिश्मा कपूर, इन दोनों की एक संतान पैदा होती है और उस संतान का नाम होता है करण। इन दोनों को बचाने के दौरान सनी देओल की मौत हो जाती है और उसी के प्यार में आकर के करिश्मा कपूर और सलमान खान अपने बेटे का नाम करण रख देते हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि एक एक सीन को ऐसे बुना गया है जैसे कि कोई मूर्तिकार हर मूर्ति के नए नक्श को ठीक करता है। इस फिल्म का डायरेक्टर कमाल की सोच रखता था। आज की तारीख में ऐसी फिल्में बनती कहां है? लोग सिर्फ टाइम पास फिल्में बनाते हैं, और उस समय की जो फिल्में होती थी वो इमोशन से परिपूर्ण होती थी। एक्शन का धमाका होता था और कॉमेडी का तड़का होता था, और गानों में वो ताजगी होती थी कि जब आप गाने सुनते थे तो आप खुद ब खुद अपने आप को इमोशनल होने से रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं, जब फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब हो तो ऐसी फिल्मों का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। और इस फिल्म के लिए सनी देओल को लेना चाहिए और सलमान खान को लेना चाहिए।